हाँ जी गुड इवनिंग क्या हाल चाल तो चलो अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो क्वेश्चंस मेरी क्लास में हुए हो चुके हैं बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उसके अतिरिक्त एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉन्सेप्ट आए हुए वो डिस्कशन कर रहे हैं और अब जो बात है वो बात है सिक्योरिटी वैल्यूएशन की सिक्योरिटी एनालिसिस अलग से करेंगे पहले बात करेंगे हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन और सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पहला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नया नहीं कॉन्सेप्ट से नहीं आया नया है एग्जाम में नहीं आया हुआ इट सर सीधी सी बात है दिख रहा है यह क्वेश्चन अप्रैल 2021 के एमटीपी का सेकेंड एमटीपी जो आई थी ना उसका ठीक है सर कॉन्सेप्ट नए हैं तो बिल्कुल सोच समझ के धीरे धीरे काम करने पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट नया एक्चुअल में नया है लिखा है क्या लिखा है पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी काम होगा छोटा कर लेता हूं मुझे ठीक इन मार्च 2020 एक्स वाई जेड बैंक टोल्ड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर अंडरलाइंग नोशनल सेवन पॉइंट फाइव परसेंट कूपन बॉन्ड्स द एक्सचेंज प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स एलिजिबल सिक्योरिटी दैट कैन बी डिलीवर्ड पता नहीं क्या बोल क्या रहा है सर क्वेश्चन मुझे भी नहीं मालूम अभी देखेंगे ना यार और कुछ सिक्योरिटीज दिया है कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड्स दे रखा और कन्वर्जन फैक्टर दे रखा ठीक है रिकमेंड द सिक्योरिटी दैट शुड बी डिलीवर्ड बाय शुड बी डिलीवर्ड बाय एक्स वाई जेड बैंक इफ फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इज रुपीजेंड सर है क्या चक्कर चक्कर क्या कुछ समझ में नहीं आया सर है क्या और क्या एग्जाम में आया हुआ है नहीं क्या एग्जाम में आ सकता है हाँ एग्जाम में आ सकता है स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है नया है कॉन्सेप्ट तो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक है सर है क्या सर जरा एक बार डिस्कस करें हाँ जी डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझना कोशिश करूंगा समझाने के इतने कम समय में क्योंकि यार इसी पे मैं एक घंटा खर्च नहीं कर पाऊंगा पर आपको समझ में आ जाएगा बस मेरी बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी करूँगा तो ध्यान से ये एक बैंक और ये कोई पर्सन है सब पर्सन का नाम क्या लिख देंगे राम शॉर्ट सेल नाम एक्चुअली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का क्वेश्चन है फ्यूचर फ्यूचर समझते हो सर फ्यूचर तो हमको आता है हाँ अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और फ्यूचर में सेटलमेंट नहीं होता देखा जाए तो फ्यूचर में सेटल इस टॉपिक का नाम क्या है इस टॉपिक का नाम है चीपेस्ट टू डिलीवर्स पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मसाला लगा के बता रहा हूं। मैं फ्यूचर पे फोकस नहीं करूंगा कुछ मसाला लगा के समझाने की कोशिश करूंगा आपको ध्यान से अब भाई इस बैंक ने राम को राम को टोल्ड कर दिया और क्या सेवन पॉइंट बॉन्ड सर सोल्ड किया है सोल्ड किया नहीं सोल्ड कर देंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है ठीक है सर ये कहां लिखा हुआ आप अभी इस पे मत जाओ क्वेश्चन पे बस मेरी बात समझने की कोशिश करो बात समझ तो बैंक का नाम क्या है सर बैंक का नाम है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड बैंक बोल रही है राम से कि राम हम आपको एक बॉन्ड बेचेंगे और आज नहीं फ्यूचर में बेचेंगे फ्यूचर में और जिसका फेस वैल्यू कितना है जिसका फेस वैल्यू है एक हजार रुपए सेटलमेंट प्राइस कितना एक हजार सेटलमेंट प्राइस ठीक है सर यहां तक बात काफी कुछ समझ में आ गई है आना ही था तो बात यहां तक क्लियर हो गई कि एक्स वाई जेड शॉर्ट सेल्स ना हाँ सर हमारे पास है नहीं है पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको बेच देंगे कुछ समय बाद हम मार्केट से सस्ते में खरीदेंगे और फिर बेच देंगे हमारा ये मानना है और कितने में बात हो चुकी है बोले सेटलमेंट प्राइस कितना होगा एक हजार यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं और नाम क्या है नाम क्या सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बॉन्ड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बॉन्ड ठीक सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का मतलब समझ रहा हूँ मतलब हमें आता है कि इस पर हमें इतना कूपन मिलेगा किसको इसको जिसको भी है कि ऐसा बॉन्ड मार्केट में है जिसपे साढ़े सात परसेंट ब्याज मिलने वाला है ठीक वो दिन आया जिसमें वाई जेट को जिसमें एक्स वाई जेट बैंक को बॉन्ड डिलीवर करना पड़ेगा ये दो भाई गया, गया। अब वो दिन आया क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि राम हम आपको सर ये फ्यूचर व्यूचर लिखा ये मैं समझाऊंगा लास्ट में बोलूंगा तो अब आपको समझ में जाएगा जाएगी मसाला लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका कि राम एक्स वाई जेड बोलता है कि राम हम आपको कुछ समय बाद 7.5 परसेंट बॉन्ड डिलीवर कर देंगे अब बात कितने में हुई है बात हुई है एक हजार में यहां तक कोई समस्या नहीं वो दिन आ चुका है कौन सा दिन जब एक्चुअल में हमको बॉन्ड डिलीवर करना है अब हम वो बॉन्ड ढूंढने गए मार्केट से परचेज करना पड़ेगा ना एक्चुअल में ऐसा बॉन्ड तो है ही नहीं है मार्केट में ऐसा बॉन्ड ही नहीं है जिसमें रेट कूपन रेट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हमें मार्केट से खरीद के देना बॉन्ड जब हम मार्केट में गए तो वहां जो बास्केट जहां बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, वहां अजीब अजीब टाइप के बॉन्ड्स दिख रहा है और वो ये वाली सिक्योरिटी दिख रही है इट मीनस उसमें से एक है सेवन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड और वो कितने में मिल रहा है सर वो मिल रहा है रुपीस वन जीरो थ्री सेवन और एक कौन सा सिक्स पॉइंट फाइव फाइव परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड सर वो कितने का मिल रहा है वो मिल रहा है नौ सौ छब्बीस रुपए चालीस पैसे का और भी है बाद में डिस्कस करूंगा ओहो, और मुझे कौन सा चाहिए मुझे चाहिए सेवन पॉइंट फाइव ऐसा बॉन्ड जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हो और ऐसा तो कोई बॉन्ड्स ही अवेलेबल नहीं है अभी दो ही बॉन्ड है और भी बॉन्ड्स है पर उस मैटर पे मैं बात नहीं करूंगा अभी दो ही दिख रहे। और ये और मैंने कहा और मैं इस बॉन्ड को जो भी है इसको खरीदूंगा और राम को ट्रांसफर कर दूंगा और राम से एक हजार रुपये ले लूंगा बात खत्म और मेरे मन में ये आया कि कौन सा बॉन्ड मार्केट से उठाया जाए जिसको मैं डिलीवर कर दू एक बॉन्ड ये दिख रहा है जिसका प्राइस है 1037। 1037 में एक हजार में खरीदूंगा और तो हो मैं पागल हूं क्या मैंने कहा नहीं नहीं दूसरा बॉन्ड देख लेते हैं मैंने कहा राम से पूछा सुनो ना राम वो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट वाला बॉन्ड तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में कोई दूसरा डिलीवर करूं तो चलेगा क्या राम कहता जी चलेगा देखते हैं पहले लाओ तो आपसे सही और फिर दूसरा बॉन्ड कौन सा है सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पर इसकी कीमत मार्केट में कितनी है रुपीस। अब मेरे मन में आया चलो राम को बेवकूफ बनाया जाए मार्केट से खरीदूंगा कितने में नाइन ट्वेंटी सिक्स और राम को कितने में दे दूंगा एक हजार वह खुशी का ठिकाना नहीं तो मैंने कहा तो चलो ना यार यही खरीदते और कितने में मिल रहा है न और भी है चाहो तो मुझे ये खरीदना चाहिए मैंने कहा यार जो भी सस्ता मिलेगा भैया खरीदो ज्यादा अच्छा तो मैं गया मैं सोच रहा हूं कि मैं मार्केट से खरीद लेता हूं ये वाला 926 अच्छा ये सस्ता क्यों मिल रहा होगा यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है इसलिए तो सस्ता मिल रहा है ये देखो ना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेवन पॉइंट नाइन सिक्स है इससे भी ज्यादा है सेवन पॉइंट इसलिए वो महंगा मिल रहा है एक हजार से या तो बॉन्ड एक हजार से ऊपर होगा या तो बॉन्ड एक हजार से नीचे होगा तो सर ये तो सस्ता मिल रहा है आपको इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ सस्ता वाला खरीद लेता हूं और इसी को मैं राम को देने जा रहा हूं और राम के पास गया मैंने कहा ये लो राम बोला था ना एक बॉन्ड दूंगा अब हजार रुपया दे दो राम कहता नहीं 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 भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अगर ये बॉन्ड आप डिलीवर करते हो तो इस पर मुझे मिल, इंटरेस्ट मिलेगा जबकि बात कितनी हुई थी 7.5 परसेंट तो राम कहता फिर मैं इसके लिए आपको पैसे एक हजार रुपये नहीं दूंगा इसके लिए इसके लिए एक हजार रुपए नहीं दूंगा एक हजार को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर इंटू जीरो पॉइंट नाइन जीरो सिक्स जीरो तो इसके लिए मैं आपको रुपीस नौ सौ छे दूंगा कैसा लगा बोले तो सर ये आया कहां से कन्वर्जन कन्वर्जन फैक्टर का कैलकुलेशन होता है और कर सकते हो आप भी यूनिट्री मैथ बहुत सारी है किया जा सकता है तो कन्वर्जन फैक्टर, फैक्टर वन से ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो, तो भाई बॉन्ड का प्राइस भी एक हजार से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो बॉन्ड का प्राइस भी एक हजार से कम बात समझ में आ रही बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा कैसे होगा वो बाद में सोचेंगे हाँ, बैंक आप सोचो सर मतलब बैंक 926 में खरीदेंगी हाँ और जब डिलीवर करेगी तो राम बैंक को 1000 नहीं देगा बिल्कुल 906 सौ रुपए ही देगा हाँ तो सर इस चक्कर में तो बैंक को लॉस हो जाएगा हाँ ना भाई कितने का लॉस है सर ये लॉस दिख रहा है सॉरी कैलकुलेटर ले रहा था नौ सो छबी पॉइंट फोर जीरो माइनस नाइन जीरो नौ सौ छब्बीस पॉइंट फोर जीरो माइनस नाइन जीरो सिक्स तो सर इस चक्कर में ट्वेंटी पॉइंट फोर जीरो का अच्छा ये वाला बॉन्ड डिलीवर कर दे तो राम कितना पैसा देगा तो वैसे तो बॉन्ड कितने का है एक हजार का और कन्वर्जन फैक्टर ये है तो राम देगा 1037 और बॉन्ड खरीदेंगे बस तो सर यहां भी लॉस है पर यहां चालीस पैसे का लॉस है दोनों ही जगह लॉस है पर यहां चालीस पैसे का लॉस है यहां बीस रुपए तो सर इससे अच्छा हम यही डिलीवर करें ऐसा बॉन्ड डिलीवर करें जिसमें हमें कम से कम लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो जाए और भी तो बॉन्ड्स है वो भी चेक कर लेते हैं जैसे ये भी है और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमको सबसे सस्ता पड़ेगा टी पेस्ट उसको हम डिलीवर कर देंगे दैट्स इट तो वही पूछ रहा है कि कौन सा डिलीवर करे भाई जिसमें फ़ायदा हो जाए इट मींस आप इसका कंपैरिजन किससे करोगे कन्वर्जन फैक्टर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दैट्स इट खत्म ये कॉन्सेप्ट है बस एक बात अभी समझ में नहीं आई क्या फिजिकल डिलीवरी नहीं है क्या ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ही है हाँ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है पर यहाँ हमें एक्चुअल में डिलीवर करना होता है जो सबसे सस्ता क्योंकि ये वाला मार्केट में अवेलेबल नहीं है बॉन्ड्स फ्यूचर पे तो कर सकते हो आप पर आपको इसके ये नहीं है तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई बॉन्ड्स तो डिलीवर करना पड़ेगा बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए ये सेटलमेंट जो प्राइस है इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सॉल्यूशन आपके पास है देखते क्या लिखा एक्स जेड बैंक मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना क्या सेटलमेंट प्राइस है एक हजार उससे इसको मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो हम बेचेंगे इतने में और खरीदेंगे इतने में तो बोला सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ दिखाई दे रहा सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा 42 फोर्टी टू तो हमारे लिए ये वाला जो बॉन्ड्स है ये हमें सबसे फायदा दे रहा है यही बॉन्ड्स हमको सबसे सस्ता पड़ रहा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ठीक है तो हम यही ऑप्ट करेंगे ठीक है सर पूरी तरह से समझाओगे कि अब पूरी तरह से इसमें तो नहीं समझाऊंगा रेगुलर क्लास अब जो रिकॉर्ड्स होगी उसमें हम एक कॉन्सेप्ट ही करेंगे चीपेस्ट टू डू डिलीवर जिसमें कन्वर्जन फैक्टर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होगी और आराम से डिस्कशन हो जाएगा अभी जिनका मे ट्वेंटी एग्जाम है भई भई भाई भाई मत लेना टेंसन आराम से फटाफट से जैसा मैंने करवाया वैसे करना ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा आपके पास कि खेल खेलेंगे कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में हा yes. जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में कितने नंबर का आया हुआ है दिख रहा है आपको एग्जाम में आठ नंबर का आया हुआ कब आया था 2019 में तो सर ये तो ऑलरेडी हमारी बुक में कवर होगा हो सकता है और नहीं होगा तो याद होगा और अगर नहीं होगा तो बेटे देख लो ज्यादा अच्छा करें सर क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूशन का है बोले आप इंटरेस्टेड हो आप शेयर खरीदने में इंटरेस्ट हो किसके शेयर खरीद रहे हो आप आरके लिमिटेड के शेयर खरीदने वाले और इस कंपनी में बोल रहा तीन डिवीजन है क्वेश्चन पढ़ा हुआ और तीन डिवीजन है तो देख तो लेते उन का क्या, क्या हाल है बोले जो डिवीजन ए है ठीक है कैप्चर करता है टेन परसेंट ऑफ इंडस्ट्री सेल्स और जो इंडस्ट्री की सेल्स है वो पचास करोड़ टोटल इंडस्ट्री की सेल्स है 50 करोड़ उसमें से आर के लिमिटेड बोले 10 परसेंट सेल्स करता है तो आरके लिमिटेड का सेल्स तो निकल सकता है ना हाँ सर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा तो यहां देखिए क्या है आरके लिमिटेड का डिवीजन ए सेल्स कितने का हो रहा है 50 करोड़ ठीक है और इसका कितना टेन परसेंट बोले हमने कवर कर रखा है ऐसी डिवीजन बी और किसके विषय में बताएगा डिवीजन सी डिवीजन बी के विषय में कितना परसेंट बोल रहा है थर्टी परसेंट जितना भी सेल्स होता होगा इंडस्ट्री का वो बताएगा सेल्स कितना और ऐसे ही इसके विषय में कितना बोले टू परसेंट इंडस्ट्री के सेल्स का टू परसेंट डिविजन सी में हमारा सेल्स होता है और सेल्स कितना रहे, दे रखा है ट्वेंटी करोड़ और एट पॉइंट फाइव करोर्स 20 और It Industry का sales, ये तीनों sales किसका? Limited का Industry का का ये किसका दे रखा है उसका percentage में निकाल लेगी तो Limited का sales निकल जाएगा हर एक डिवीजन का ठीक आगे क्या लिखा हुआ है सर आगे बोले जो डिवीजन ए है वो पांच परसेंट प्रॉफिट कमाता है जितना सेल्स है उसका पांच परसेंट तो सर इंटू फाइव परसेंट यही कर ले क्या yes.

टेन परसेंट इंटू फाइव परसेंट पॉइंट टू फाइव करोड़ ट्वेंटी इनकम ठीक है ट्वेंटी करोड़ इंटू थर्टी परसेंट इंटू एट परसेंट ट्वेंटी इंटू थर्टी परसेंट इंटू एट परसेंट इंटू हंड्रेड लैक्स फोर्टी एट लैक्स का ,00 का ये सेल्स आ साहब। का सेल्स आ आ गए साहब साहब लाख नहीं इनकम ही आ तो लिमिटेड अलग अलग डिवीजन से कमाई कर रहा है डिवीजन ए से कमाई हो रही है ट्वेंटी फाइव लैक्स का डिवीजन बी से फोर्टी एट लैक्स और डिवीजन सी से वन लाख सेवेंटी सबको टोटल कर लेते हैं तो सर कमाई हो रही है सेवेंटी फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड ये इनकम निकली ये सर इनकम किसकी निकली ये निकली इनकम आरके लिमिटेड की ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं बोले आरके लिमिटेड है कितना शेयर है बोले तीन लाख शेयर आउटस्टैंडिंग और जो दो कि दो सौ पचास रुपए के हिसाब से बिक रहा है आरके लिमिटेड के जो शेयर का भाव है ना भाई दो सौ पचास रुपए ठीक।, ठीक है नंबर ऑफ शेयर कितना है तीन लाख एक बार ईपीएस निकाल लेते हैं क्या यस yes, डिवाइडेड सर क्यों निकालना है मांग तो नहीं रहा निकालने में क्या दिक्कत है निकाल के रख दो नंबर ऑफ शेयर है तीन लाख अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा तो सर ये आ गया रुपीस ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन जीरो यहाँ तक हमने अभी तक क्वेश्चन रीड किया है और कुछ नहीं हमने जितनी इनकम है सबको जोड़ लिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लिया है तो अर्निंग पर शेयर आगे पढ़ाने लिखा द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड बोले डिविडेंड ही पेड नहीं किया है कब से बोले जब से बिजनेस स्टार्ट किया था करीब करीब दस साल से दस साल पहले से साहब डिविडेंड ही पे नहीं किया है फ्रॉम द मार्केट सोर्सेस यू कम टू नो दर के लिमिटेड बोले आर के लिमिटेड डिविडेंड पे करना स्टार्ट करेगा कब से आने वाले बोले आज से एक साल दो साल तीसरे साल से डिविडेंड पे करना स्टार्ट करेगा ये बताया जा रहा है ऐसा हमें पता लगा है और कितना पे करेगा बोले जितना अर्निंग होगा उसका थर्टी परसेंट डिविडेंड पे किया जाए एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड द शेफ और आपको ये उम्मीद है कि यार हाँ आर के लिमिटेड तो डिविडेंड देगा इसलिए आप आपको इसी उम्मीद से कि तीसरे साल से तो डिविडेंड मिलेगा आप शेयर होल्ड करना चाहते हो पांच साल तक मतलब अगर सर हम शेयर होल्ड करें तो हमें डिविडेंड कब कब मिलेगा थर्ड ईयर में मिलेगा फोर्थ ईयर में मिलेगा फिफ्थ ईयर में मिलेगा और फिफ्थ ईयर में तो आप शेयर बेज दोगे

और बोले प्राइस अर्निंग रेशियो ट्वेंटी एड़ और एट दी एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में कितना हो जाएगा ट्वेंटी टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ फर्स्ट ईयर का प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा और फिफ्थ ईयर का प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा तो नहीं ऐसा क्यों दिया है। आगे बढ़ते हैं यू विल बी इन परचेसिंग आर के लिमिटेड क्या आप आर के लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहते हो और किस बेसिस पे बोले मान लो आप एक ही साल का आपको नहीं मतलब है कि थर्ड ईयर में डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें यहां कोई लेना देना नहीं, नहीं हमें एक साल को बेस लग, रखो और एक साल के बेसिस पे बताओ आप आर के लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते तो सर जी फर्स्ट ईयर का क्या हमें प्राइस अर्निंग रेशियो हमें फ्यूचर का नहीं मानू पाँच साल की बात ही नहीं हो रही बात हो रही एक साल एक साल का क्या अनुमान है एक साल का अनुमान हमें कि कमाई कितनी होगी और एक साल का अनुमान क्या है एक साल का ये अनुमान है कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा क्या प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है यस प्राइज अर्निंग रेशियो एक साल का क्या दिया फर्स्ट ईयर के एंड में टेन टाइम्स होगा क्या एक साल के बाद का ई निकाला जा सकता है बिल्कुल ई को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइज अर्निंग रेशियो तो मार्केट प्राइस हो जाएगा और उसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे एक्चुअल मार्केट प्राइस से देख लेंगे कि अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस ठीक तो अब इन्होंने क्या किया क्या हमें ईपीएस पता है यस चौबीस रुपए नब्बे पैसे ठीक यही काम किया उन्होंने चौबीस रुपए नब्बे पैसे ईपीएस निकाला है चौबीस रुपए नब्बे पैसे और ये मान के चल रहा है कि ये एक साल बात का है एक साल बात का चौबीस क्योंकि ग्रोथ ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है ठीक है तो आज कितना है चौबीस रुपए नब्बे पैसे और एक साल बाद कमाई कितनी होगी चौबीस रुपए नब्बे पैसे और उसको उन्होंने किससे प्राइस एन इंग्रेस से, से मल्टीप्लाई कर दिया तो शेयर का प्राइस आ गया टू फोर्टी नाइन बात समझने की कोशिश करना सुनो चौबीस रुपए नब्बे पैसे ये कब का प्राइस है क्या किसी भी टाइप का ग्रोथ बताया अगर पूरे क्वेश्चन की बात करूं तो ग्रोथ की बात ही नहीं है तो मेरा ये मानना है कि चौबीस रुपए नब्बे पैसे जो ईपीएस है अगले साल भी चौबीस रुपए नब्बे पैसे हम कमाएंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस अर्निंग रेशो से जो कि कितना है टेन टाइम्स तो शेयर का प्राइस कितना आ जाएगा शेयर का प्राइस आ गया है टू फोर्टी नाइन टू फोर्टी नाइन शेयर का प्राइस आ गया लेकिन ये प्राइस कब का है आज का है कि एक साल बाद का एक साल बाद का तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइडेड बाय क्या मैं सीधा वन पॉइंट वन एट पर डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ शायद ये पॉइंट एट फोर सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट एट फोर सेवन से तो शेयर का प्राइस आ जाएगा ये आ गया दो सौ दस रुपये नब्बे पैसे और एक्चुअल में शेयर का प्राइस कितना है 250 तो भाई साहब आप शेयर खरीद रहे हो 250 का और एक साल तक होल्ड करोगे तो आपको कितना मिलेगा दो सौ रुपए पैसे ही इट मीन इसके लिए आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो दो सौ दस रुपए नब्बे पैसे तो ढाई सौ रुपए है दिस इज ओवर प्राइस मत खरीदो शेयर अगर आप एक साल का एक्सपेक्टेशन है इन्होंने क्या कर रखा बोले इट वुड नॉट लाइक टू परचेज द शेयर इट सिंपल अगर आपका अनुमान कब का है एक साल का लेकिन आगे और कुछ लिखा बोल रहा है ये पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर हो गया बोले निकालिए अगर कितना आप पे कर सकते हो अगर आपका अनुमान है कि जो अर्निंग है वो पंद्रह परसेंट से ग्रो होगा कंटिन्यूसली अर्निंग पंद्रह परसेंट से बढ़ेगा मतलब आज अर्निंग कितना है चौबीस रुपए नब्बे पैसे एक साल बाद क्या होगा बोले बढ़ेगा फिफ्टीन परसेंट से दो साल बाद बोले बढ़ेगा फिफ्टीन परसेंट से तीन साल बाद बढ़ेगा फिफ्टीन परसेंट से और उसका डिविडेंड भी तो मिल जाएगा थर्ड ईयर में डिविडेंड मिलना है। बात समझो सुनना फर्स्ट ईयर ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये, ये फिफ्थ ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सुनो अभी कितना है चौबीस रुपए नब्बे पैसे इसको बढ़ाते चौबीस रुपए नब्बे पैसे तो आज का है चौबीस पॉइंट नाइन इन टू कितने परसेंट से बढ़ाना फिफ्टीन परसेंट तो सर यहां कितना आ गया ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स थ्री फाइव प्लस फिफ्टीन परसेंट थर्टी टू पॉइंट नाइन थ्री प्लस फिफ्टीन परसेंट थर्टी सेवन पॉइंट एट सेवन दो डिजिट में दे रहा हूं प्लस फिफ्टीन परसेंट फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव फाइव प्लस फिफ्टीन परसेंट फिफ्टी पॉइंट जीरो एट या जीरो नाइन लेते फर्स्ट ईयर में डिविडेंड नहीं सेकेंड ईयर में डिविडेंड, लेकिन थर्ड ईयर में तो डिविडेंड मिलेगा कितना परसेंट थर्टी परसेंट तो पॉइंट थ्री इंटू थर्टी सेवन पॉइंट एट सेवन तो यहाँ डिविडेंड मिलेगा इलेवन पॉइंट थ्री सिक्स फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव फाइव यहाँ मिलेगा थर्टीन पॉइंट जीरो सिक्स और 50.09 पॉइंट यहाँ मिलेगा 15.027 तो भाई ये जो डिविडेंड मिलेगा सुना ध्यान ये जो डिविडेंड मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ जीरो पीरियड तक ये जो डिविडेंड मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू ये जो डिविडेंड मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू ये तो निकाल ही लोगे प्लस फिफ्थ ईयर में शेयर का प्राइस निकालना अब शेयर का प्राइस निकालने के दो तरीके हैं पहला ये जो अर्निंग है इसको मल्टीप्लाई कर दो प्राइस अर्निंग रेशियो से ट्वेंटी टाइम्स पर इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं कि उनका कहना किया परपेचुअल ग्रोथ दिया हुआ है आईसीएआई के सजिस्टेड में तो उन्होंने क्या किया मतलब फिफ्टीन पॉइंट जीरो टू सेवन ये डिविडेंड है फिफ्थ ईयर का और ग्रोथ कितना इंटू वन पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड के कितना पॉइंट वन एट माइनस पॉइंट वन फाइव तो जो और उसका उन्होंने क्या निकाला? निकाला. है. इसलिए उन्होंने ऐसा किया मेरे मन में और एक बात आई थी यार प्राइस फिफ्थ ईयर के एंड का दिया है ना तो मल्टीप्लाई ट्वेंटी से कर दो तो शेयर का प्राइस जाएगा यहाँ का पर वही सी ने जो किया है वह यहाँ काम करेंगे उन्होंने क्या किया है उन्होंने फर्स्ट ईयर

तो हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं टू सेवेंटी वन एक्टसेट उसने ये नहीं पूछा खरीदना खरीद बोल रहा है मैक्सिमम कितना दे सकते हैं मैक्सिमम कितना तो ये क्वेश्चन क्या अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है एक जगह मुझे थोड़ा सा डिस्प्यूट लगा और डिस्प्यूट कहाँ लगा वो प्राइस अर्निंग रेशू वाला इस पर हालांकि 15 परसेंट सेकेंड पॉइंट में दिया है कंटिन्यूसली इसलिए उन्होंने ऐसे किया अगर मेरा मन करता मेरा मैं होता तो शायद मैं ऐसे भी कर सकता था कि ये अर्निंग है फिफ्टीन इसको मल्टीप्लाई कर देता ट्वेंटी टाइम्स पर ठीक है इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आई हमारे लिए सब कुछ तो ये लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा याद रखना पड़ेगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन यस जी ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ समझना है इस क्वेश्चन क्योंकि सिक्योरिटी वैल्युएशन में टर्म स्ट्रक्चर आपने किया होगा कि नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम मैंने करवाया हूँ बाकायदा पर क्वेश्चन थोड़ा सा नया है हालांकि फॉरवर्ड रेट निकालना हमने पहले भी सीखा हुआ है पर इसमें कुछ खास बात है एक बार देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है पर याद रखना अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से करते तो आ, इसी शीट में और एक क्वेश्चन वो आपसे बहुत आसानी से बनेगा बस आपको बात को समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाहता तो हूँ चलो देखें क्वेश्चन नंबर फाइव एग्जाम जनवरी 2021 में आया हुआ है सर न्यू सिलेबस में चार नंबर का क्वेश्चन है लेकिन जान लेने वाला क्वेश्चन है ऐसे नहीं समझ सोच सकते कि हाँ कर लेंगे नहीं कर पाओगे ठीक है सर तो चलो देखिए फॉलोइंग आर द दे रखा इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए यील्ड दे रखा यील्ड अच्छा सर यिल्ड समझते हो यिल्ड मतलब कितना कमाओगे इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और यिल्ड में अंतर होता है थोड़ा सा समझने खैर अब यहां समझेगी और है आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स फेस वैल्यू कितना है एक हजार अगर आप एक बॉन्ड है एक साल के लिए खरीदते हो एक साल का के लिए होल्ड करते तो मतलब जो बॉन्ड्स पर यिल्ड है वो टेन की लेकिन अगर आप ज्यादा पीरियड के लिए खरीदते हो तो यील्ड पर जो है बोले थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कितना इलेवन परसेंट एक साल के लिए सिर्फ टेन परसेंट पर दो साल के लिए होल्ड करोगे तो बोले इलेवन परसेंट पर मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर आप ऐसा बॉन्ड खरीद रहे हो जिसमें दो साल तक होल्ड करोगे दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता होगा समझने की कोशिश करो और अगर और ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करोगे तो येल्ड जो है वो कितना ट्वेल्व परसेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा होल्ड करोगे मेच्योरिटी आपकी ज्यादा रहेगी तो उस बॉन्ड्स पे येल्ड भी ज्यादा रहेगा ज्यादा होल्ड कीजिए ज्यादा कमाइए यही तो सिंपल द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट विल रिमेन द सेम अच्छा तो टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझाना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि टर्म स्ट्रक्चर के मेरे लेक्चर सी ये प्रॉपर जो मैंने आपको करवाया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्प्लाइड वन ईयर फॉरवर्ड रेट इंपॉर्टेंट है आपको निकालना है वन ईयर फॉरवर्ड रेट और क्या वन ईयर फॉरवर्ड रेट निकालना हमने सीखा हुआ है यस yes. सॉरी ठीक है देखिये बिल्कुल सिंपल है यही समझा रहा हूँ यही नहीं हो जाएगा ये मेरा जीरो पीरियड ये वन ये ईयर ईयर और ये टू ये। अगर मैं एक साल तक होल्ड करता हूं तो ये कितना है टेन परसेंट अगर मैं दो साल तक होल्ड करता हूं तो ये पर एनम कितना है ग्यारह परसेंट तो क्या आप मुझे यहां का रेट निकाल के बता सकते हो यस यस आराम से निकाल सकते इट मींस ये ऊपर वाला फैक्टर आप क्या बोलते थे याद है मैंने कहा बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर तो इसको तो सीधा सीधा वन इसका फैक्टर वन पॉइंट वन वन इंटू इक्वल टू इसका फैक्टर आ गया सर वन पॉइंट टू थ्री टू वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो कर लो Divided by तो सर खत्म पहला पॉइंट तो खत्म ही हो गया मांगा क्या था हमसे मांगा यही था ये निकाल कर बताओ निकाल कर बता बताती फर्स्ट ईयर के बाद वन ईयर फॉरवर्डेडेड भाई फर्स्ट ईयर का रेट ये सेकंड ईयर का ये है आज से दो साल तक का रेट ये तो सेकंड ईयर का रेट क्या होना चाहिए वन ईयर निकालिए कुछ स्पेशल था क्या मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ समझा रहा हूं देखो बेटा ये और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है सुनना ध्यान से ये जीरो ये वन, के यहाँ का रेट कितना है ग्यारह पर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं येल्ड। यहाँ का येल्ड। यहाँ का रेट कितना है यहाँ का तो दस परसेंट है और यहाँ का फॉरवर्ड रेट कितना निकाला आपने ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन परसेंट ठीक अगर मैं कहूं कि मैं बॉन्ड्स को दो साल तक होल्ड करता हूं और यहाँ मैच्योरिटी है एक हजार और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाली है देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ था मैं बार बार इस क्वेश्चन चार नंबर का क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ बोलने जा रहा हूं ठीक सुनना मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साहब ऐसा है एक हजार है एक, हजार है, एक हजार है, जीरो कूपन बॉन्ड है ये दूसरे साल में एक मैच्योरिटी वैल्यू है और यिल्ड है ग्यारह परसेंट बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा क्या सीधा निकाल सकते हो ऐसे निकलेगा एक हजार डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वन इक्वल टू इक्वल टू यहां एट एट वन वन एट वन वन है यार एट वन वन पॉइंट सिक्स टू या फिर एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है यिल्ड दे देगा तो सीधा निकाल लेना पहले साल सा दिया ना तो ऐसा मत बोलना कि पहले साल का येल्ड है और दूसरे साल की यहाँ का है, ये दो साल का है ना सीधा एक हज़ार डिवाइडेड आप ऐसा नहीं कर सकते मैं आपको सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुनत ध्यान से सर पहले साल का ये दस परसेंट दूसरे साल का यल्ड है ग्यारह परसेंट तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या सपोज ये दो साल है और आप कह रहे हो कि यहाँ एक हजार तो एक हजार को सबसे पहले हम ग्यारह परसेंट से डिस्काउंट कर लेते हैं और फिर दस परसेंट से डिस्काउंट कर लेते क्या ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते मैं आपसे बोल रहा हूं अगर यील्ड दिया है तो ये पूरा दो साल का मिलाकर यील्ड है 11% पर है ना 1000 डिवाइडेड बाय 1.11 डिवाइडेड बाय 1.11 अगर यील्ड नहीं दिया रहता रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता तो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू दूसरे तरीके से निकालना पड़ता 1000 डिवाइडेड बाय 1.1201 ये पहले साल का डिवाइडेड बाय 1.10 आंसर उतना ही आएगा 811.62 मेरी एग्जाम में ये क्वेश्चन की उतना मैं फोकस ही नहीं करूँ एक क्वेश्चन एग्जाम में आया इसके बाद करवाने वाला और उस क्वेश्चन में यही दिक्कत है उस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी उसमें एक हज़ार रुपये उसमें सुनना ध्यान से क्या था एक हज़ार रुपये बोले दो साल में मैच्योर होगा ठीक है भैया एक हज़ार दो साल में मे दो साल बाद सेकेंड ईयर के एंड में एक हज़ार रुपये मिलेगा बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो निकाल लेंगे फिर उन्होंने कहा यह लै यहाँ का ग्यारह परसेंट और यहाँ का टेन परसेंट फर्स्ट ईयर का टेन परसेंट सेकेंड ईयर का इलेवन परसेंट बच्चों ने क्या किया एक हजार डिवाइडेड बाय पॉइंट वन वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो जो कि गलत है अगर यील्ड दिया है तो बस आपको इसी को दो बार डिवाइड करना पड़ेगा एक हजार डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वन य मतलब वो इन दोनों रेट को कंसीडर करके ही तो यील्ड बना यहाँ अगर यील्ड नहीं दिया रहता रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता तो एक हजार डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू जीरो वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो अभी तो उसने ये मांगा था यह तो निकाल दिया आपने अब क्यों टाइम पास करो टाइम पास नहीं कर रहा हूं अगला जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा बस ठीक है ओके बात तो समझ में वन, रेट पूछा था, वन रेट आपने निकाल लिया आगे क्या बोल रहा एक्सपेक्टेड टू मैच्योरिटी ठीक वाई टी एम ये निकालना है एंड प्राइज ऑफ वन ईयर एंड टू ईयर जीरो कूपन बॉन्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट है अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान से समझना मेरी इसको अभी साफ रफ कर दे रहा हूँ okay, क्योंकि मैं कुछ समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन में दोनों दोस्तों ये जीरो ये वन ए टू और ये थ्री ठीक है हाँ बोलो हाँ अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का पता था क्या यस सर टेन परसेंट सेकेंड ईयर का निकाला था कि यस सर ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन परसेंट था सर और ये वाला येल्ड पता है क्या यस कितना ट्वेल्व परसेंट पर है ना? सवाल बस बड़ा सिंपल सा है सिंपल सा सवाल क्या है क्या यहाँ का रेट निकल सकता है और ये रेट निकालो तो सही एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ये काम काम क्यों क्या निकाल सकते हो आप हाँ सर ये बहुत किया हुआ है कैसे निकलेगा ट्वेल्व परसेंट पर है ना मैं तो तीन साल का फैक्टर वन पॉइंट वन टू इंटू इक्वल टू इक्वल टू तो सर ये फैक्टर आ गया वन पॉइंट फोर ज़ीरो फोर नाइन टू एट तो बस निकाले थर्ड ईयर का रेट वन पॉइंट फोर ज़ीरो फोर नाइन टू एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो इंटू वन पॉइंट टू ज़ीरो वन वन टू जीरो वन ऊपर वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय ये दोनों वन पॉइंट फोर जीरो फोर नाइन टू एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू जीरो वन तो आंसर आ गया फोर्टीन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट जीरो थ्री की जीरो टू पता नहीं मुझे ठीक है। अब, अब क्या पूछ रहा है इसको रफ कर रहा हूं अभी जरूरत नहीं अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान से देखना अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है सर कि मान लो ये फर्स्ट ईयर का एंड ठीक है आप निकालिए क्या बोले बाद में निकालेंगे बोले प्राइस ही निकाल लो भाई ठीक है प्राइस कब का बोले वन ईयर बॉन्ड एंड टू ईयर बॉन्ड और निकालना कब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये है फर्स्ट ईयर का एंड यहां से बोले यहां वन ईयर बॉन्ड है इसका वैल्यू निकालिए और टू ईयर बॉन्ड मतलब यहां बॉन्ड का वैल्यू कितना है एक हजार तो बोले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और यहां बॉन्ड का वैल्यू कितना है एक हजार बोले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए यहां तक अब सोचो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता निकल सकता क्या इसका निकाल कर देखे यस चलो निकालते कितना रहा एक हजार डिवाइड इससे करेंगे एक हजार क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिवाइड वन पॉइंट वन टू एक हजार डिवाइड वन पॉइंट वन टू जीरो वन तो सर आंसर आ गया इसका एट नाइनटी टू पॉइंट सेवन सेवन ऐसे इसका भी निकालते अब इसका कैसे निकलेगा सुनो एक डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस मतलब एक हजार डिवाइडेड बाय पॉइंट वन फोर जीरो थ्री और फिर जो भी आएगा डिवाइडेड बाय ईयर का रेटेड बायो थ्री डिवाइडेड बाय पॉइंट वन टू जीरो आंसर कितना आ गया सर आंसर आ गया सेवन एटी टू पॉइंट नाइन थ्री क्या पूछा था पूछा था उन्होंने कि वैल्यू बताइए फर्स्ट ईयर के एंड में बता रहा है बोल रहे जो वन ईयर बॉन्ड है उसका 892 जो टू ईयर बॉन्ड है उसका प्रेजेंट वैल्यू तो हमको यहां का रेट पता है यहां का रेट पता है हमें रेट से मतलब का मतलब, का पता है उठा कर सीधा ये निकाल लिया ये कितना का सेवन एटी टू पॉइंट नाइन थ्री कोई समस्या नहीं बोलो नहीं सर तो ठीक है उसने प्राइस पूछा था प्राइस वन ईयर एंड टू ईयर वो तो आपने निकाल दिया और उसने यील्ड भी तो पूछा है तो यील्ड भी निकाल लेता हो ना मैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए चलो यील्ड निकालते हैं कितना लगा रहा है। सर 892.77 कितने साल लगाया 1 प्लस r ताकि हमारा कितना हो गया 1000 ये डिवाइड हो जाएगा तो अल्टीमेटली इसका तो 12.01 ही आएगा ना सर हाँ इसका तो दिक्कत नहीं है दूसरा ईयर जो ये वाला यील्ड है ना ये निकालने की जरूरत है ये इसकी बात करो कितना इन्वेस्ट आज प्रेजेंट वैल्यू कितना सेवन एटी टू पॉइंट का निकालना है सर दो साल का यील्ड निकालना है? और हो कितना जायेगा? एक हजार तो फिर क्या हो जाएगा एक हजार डिवाइडेड बाय सेवन एटी टू पॉइंट नाइन थ्री पावर वन बाई टू ये तो आता है यार।, यार रूट करना पड़ेगा थाउजेंड डिवाइडेड बाय सेवन एटी जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना तो सर ये आ गया सिंपल सी दिस इज यन पॉइंट जीरो 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 टू चल जाएगा तो दूसरे पॉइंट में क्या क्या मांगा था क्या प्राइस मांगा था निकाल लिया क्या मांगा है यस वो भी निकाल लिया इसमें बात करते हैं क्या प्राइस मांगा है यस निकला हुआ है उसके बाद उन्होंने येल्ड मांगा है थर्टीन परसेंट ठीक है ये भी निकल गया क्वेश्चन अच्छा है और एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन में टर्म स्ट्रक्चर का तभी काम होगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बस मैंने वही बताया है कि अगर यील्ड बोला है डिस्काउंटिंग करने के लिए तो पूरा चलेगा अगर रेट बोला तो पहले ईयर का रेट अलग आएगा दूसरे ईयर का अलग आएगा जैसे मैंने यहाँ जब डिस्काउंटिंग किया एक हज़ार को तो पहले इससे डिस्काउंटिंग है अगर यील्ड होता तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्काउंटिंग करता तो सर आप सीधा बारह परसेंट यहाँ एक हजार लिखते हो बारह सीधा यहाँ यहाँ तक पहुँचना नहीं था ना अगर पहुँचना होता तो सीधा ट्वेल्व परसेंट से डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन टू डिवाइवाइड बाई वन पॉइंट वन टू सीधा निकाल लेता यहां तक पहुंचना ही था यहां तक निकालना था बस इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, थी। ठीक है जी सर आप बोल रहे थे ना एक क्वेश्चन करवाओगे इसी टाइप का हाँ उस क्वेश्चन पे ले चलता हूं भाई क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा है ये वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर थ्री मुझे आपका एक्सपर्ट नॉलेज पढ़े क्वेश्चन को लिमिटेड वांट्स टू इश्यू नाइन परसेंट बॉन्ड रिडीमेबल इन फाइव इन ठीक है कोई दिक्कत नहीं फेस वैल्यू कितना है एक हजार यहां भी दिक्कत एनुअल स्पॉट सुना ध्यान से कर्व क्या होता उसी क्वेश्चन में पहले मैं आपको समझा दू है इस क्वेश्चन की बात करो इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको याद तो होगा नहीं ध्यान से मेचोरिटी ईयर वन टू थ्री मैंने कहा पहले साल एक ही साल बॉन्ड होल्ड करोगे मैच्योरिटी पीरियड वन ईयर रहेगा तो यील्ड कम रहेगा पर अगर दो साल तो यील्ड बढ़ेगा तीन साल यील्ड बढ़ेगा इस इट मीन्स यील्ड कर्व इस तरह से होता है ये फ्लैट हो जाता है फिर इस तरह से होता है यील्ड कर्व जितना मैच्योरिटी ज्यादा रहेगा यील्ड उतना ज्यादा रहेगा दिस इज यील्ड कर्व इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन की बात ये जो कर रहे थे बोले यव दिया हुआ है नीचे तो सर नीचे जो है वो इंटरेस्ट रेट है नहीं बेटे ये जो है इंटरेस्ट रेट दिया ये यील्ड ये है पावर्ड रेट नहीं है, है यील्ड पहले साल बारह दूसरा इलेवन पॉइंट सिक्स टू इलेवन पॉइंट थ्री थ्री सर ये तो यील्ड कम कम हो रहा है हाँ ये ये इनोवर्ट है ये उल्टा है उल्टा उल्ट एक्चुअल में मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रहे तो यील्ड कम मिल रही है मतलब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होने वाला है शायद उससे हमको मतलब नहीं हमें दे रखा है मांग क्या रहा इवेलुएट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड मार्केट प्राइस बॉन्ड बॉन्ड का एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बोला है अगर बीटा वन पॉइंट वन लेसर रिस्क ठीक है सबसे पहले हमें प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड निकालना पड़ेगा और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले ये जीरो पीरियड ठीक एक हजार का नौ परसेंट कितना होता है नाइन्टी तो यहाँ मिला नब्बे रुपये फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में नब्बे थर्ड ईयर में नब्बे फोर्थ ईयर में नब्बे फिफ्थ ईयर में, में वन जीरो नाइन जीरो ठीक है अब सुनना अगर नॉर्मल होता ये जो रेट्स है ना ये फॉरवर्ड रेट होते तो मैं डिस्काउंटिंग कैसे करता सुनना ध्यान से अगर ये, ये येल्ड नहीं होता तो सपोज एक हज़ार नब्बे होता एक हज़ार नब्बे तो पहले साल जब यहाँ से यहाँ पहुँचता तो डिस्काउंटिंग करता टेन पॉइंट एट जीरो फिर यहाँ से यहाँ ले जाता इसी को तो डिस्काउंटिंग करता एलेवन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट से मतलब अलग अलग रेट से लेकिन यहाँ यील्ड दिया है तो ये नहीं चलेगा यील्ड में बड़ा सिंपल है यील्ड में क्या होगा इसको डिस्काउंटिंग करोगे फर्स्ट ईयर के लिए यील्ड कितना है वन पॉइंट वन टू से डिवाइडेड बाय वन पॉइंट इसको डिवाइड किससे करोगे इसको डिवाइड करोगे वन पॉइंट वन वन सिक्स टू पावर टू हो जाएगा इसको क्या करोगे वन पॉइंट वन वन थ्री थ्री पावर थ्री हो जाएगा इसको किससे वन पॉइंट वन वन जीरो सिक्स पावर फोर हो जाएगा और इसको किससे वन पॉइंट वन जीरो एट जीरो वन पॉइंट वन जीरो एट जीरो पावर फाइव हो जाएगा

90, 90, 90 और लास्ट वाले को उन्होंने सीधा सीधा ये आंसर निकाल लिया होगा फाइनली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ पिछले क्वेश्चन में जा चुका हूँ तो सर जी कहाँ है सर जी ये आ गया नाइन ट्वेंटी नाइन और बीटा से मल्टीप्लाई किया तो वन जीरो टू टू पॉइंट सिक्स ठीक पूरा फोकस बस इसलिए ये दिया हो तो क्या फॉरवर्ड रेट दिया हो तो क्या डिस्काउंटिंग कैसे करें दूसरी बात इंटरप्रेट द है, है पर ये तो उल्टा है मतलब मतलब पीरियड बढ़ रहा है उल्टा नहीं हुआ ये था फिर कम हो गया फिर कम हो गया इस तरह से यल्ड करो बन गया मतलब पीरियड के बढ़ने से जो है वह कम हो रहा है इन्वर्टेड यल्ड कर्व और इसका रीजन क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में रेसिसन होने वाला है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है कम होने वाला है हाँ शॉर्ट टर्म के लिए लगाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा ये ज्यादा मिलेगी ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो पिछला क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन था तो दोनों ही क्वेश्चन करना पड़ेगा बच्चों अच्छे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझा सकता पर जितना समझाया सफिशियंट है, है बाकी तो आप चैप्टर्स कर ही रहे ठीक है चलते अगले क्वेश्चन पे चलो जी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है एम टी पी में आया हुआ है हालांकि ये क्वेश्चन क्या पहले भी था yes. यस क्वेश्चन आ गया एम टी पी में मार्च 2021 का क्वेश्चन मेरे देखा जाए तो ये वैसे तो पहले का क्वेश्चन है और ये मैंने नहीं करवा भी रखा होगा या नहीं भी करवा रखा होगा बुक में लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ, ओल्ड सिलेबस में मनी मार्केट ऑपरेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूरा की पूरा चैप्टर उठाया गया और सिक्योरिटी वैल्यूशन में ऐड कर दिया गया जो मैंने अलग से आपको डिस्कस करवा रखा है पर यह क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में भी आया हुआ और एम में भी आया हुआ है तो क्यों ना करवा दिया जाए हालांकि जिन्होंने क्लास ले रखा है उन्होंने कर रखा होगा ये क्वेश्चन मैं अच्छे से जानता हूं एक बार डिस्कशन हो जाए क्या लिखा हुआ साहब देख ले yes. लिखा बैंक ए एंट इंटू अ रेपो फॉर फोर्टीन डेज विथ बैंक बी इन टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या टू थाउजेंड ट्वेंटी पता नहीं समझने की कोशिश करते हैं आराम से समझते देखो जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए ना आपको ना मुझे क्या ये न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है हंड्रेड परसेंट uh, में लास्ट टॉपिक डला हुआ है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एम में भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं समझना पड़ेगा देखते है क्या है ऐसा ऐसा यहां से समझना एक बैंक सर बैंक का नाम क्या है बैंक अब बैंक एको पैसों की जरूरत है ठीक है जी अगर पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेंगे यस yes. पर उधार लेने का एक तरीका ये है कि मेरे पास कुछ सिक्योरिटी रखी हुई है सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इन सिक्योरिटीज को मैं बेच दूँ और बेचने कौन से ऑप्शन से? रेपो रेपो का मतलब रिपर्चेस ऑप्शन कि इन सिक्योरिटी को मैं दे दूँ कुछ दिनों के लिए पैसे ले लूं और फिर इन को वापस खरीद लूंगा पैसे वापस कर दूंगा विथ इंटरेस्ट दैट इट यही तो है भाई हमें करना क्या हमें कुछ नहीं करना इन सिक्योरिटी को देना है और फिर वापस परचेस करना जब देगे तो हमें पैसा उधार मिलेगा तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उधार मिलेगा बोलो ठीक है यहाँ क्या चक्कर है जरा देखिए बैंक ए ने एंटर किया इनटू ए रेपो किसके साथ बैंक चलो अच्छा और एक बैंक है और उस बैंक का नाम है बैंक भी अल्टीमेटली सर हो क्या रहा है सीधी सी बात है हो कुछ नहीं रहा है हम उधार लेने का सोच रहे हैं ठीक है यहां तक ठीक तो बदले में हमें क्या देना है सिक्योरिटीज कितने दिनों के लिए फोर्टीन डेज के लिए फोर्टीन डेज के लिए नाम क्या दिख रहा है टेन परसेंट टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब किए गए थे कभी किए गए होंगे उससे मुझे क्या ठीक है एज्यूमिंग दैट अब काम की बात है एज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस क्या ये क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जी हाँ कहा पढ़ाया था सिक्योरिटी वेल्युएशन इट मीन्स क्लीन प्राइस का मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है इट मींस जब ये सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट लग गए मतलब 31 मार्च को मान लो 31 मार्च को या फिर जब भी ये सिक्योरिटी इश्यू हुई होगी तो कितने में इश्यू हुई होगी नाइनटी नाइन पॉइंट फोर टू में हमने खरीदा होगा अब बिट्टी खरीदा कब नहीं मालूम लेकिन जब भी खरीदा था तब से अब तक का इंटरेस्ट भी तो इसमें जुड़ना चाहिए हाँ, पर अगर इंटरेस्ट अभी नहीं जुड़ा है तो इसको हम हल, मैनेजमेंट मैं में डर्टी प्राइस तो वो क्या है बोले क्लीन प्राइस क्लीन प्राइस मतलब बोले अभी इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है और क्लीन प्राइस कितना है नाइनटी नाइन पॉइंट फोर तो टू इनिशियल मार्जिन टू परसेंट है वो बाद में डिस्कस करूंगा और बोले कितने दिन का इंटरेस्ट है बोले दो दिन हो चुके हैं इट इटमे जब मैंने ये सिक्योरिटी परचेज किया था 99.42 रुपीस में सौ रुपए का एक शेयर मान लो तब उसका प्राइस कितना था 99.42 तब से लेकर अभी कितने दिन हो चुके हैं 262 सिक्सटी डेज हो चुके हैं तो भाई वो वाला इंटरेस्ट अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो वो जो प्राइस बनेगी उसको बोला जाता है डर्टी प्राइस है। आपको क्या निकालना सबसे पहले तो डर्टी प्राइस निकालना सर इंटरेस्ट कितना है भाई का नाम क्या है सर 10 तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि बेकार की बात है सौ रुपए फेस वैल्यू एज्यूम करना इसमें दिया है कि नहीं दिया तो सबसे पहले क्या निकाले सर सबसे पहले निकालते डर्टी प्राइस वो कैसे निकलेगा खरीदा था रुपीज नाइनटी नाइन पॉइंट फोर टू प्लस इंटरेस्ट लगेगा सौ रुपए का टेन परसेंट गवर्नमेंट और कितने दिन का टू सिक्सटी टू डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी फाइव डेज करना चाहिए लेकिन बोला तीन सौ साठ दिन लेना तो डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी क्या कैलकुलेटर चलाना आता है आपको हाँ बोलो हाँ दस इंटू टू सिक्सटी टू डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स सेवन तो सेवन जीरो राउंडेड ऑफ इसने भी किया है कि चलेगा कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सर जब कभी भी आपने खरीदा होगा 99.42 में उससे मतलब नहीं है इस सिक्योरिटी की मेरी नजरों में आज कीमत जब खरीदा था दो दिन पहले तो वैल्यू थी 99.42 आज कितनी हो गई है आज इसकी वैल्यू हो गई है क्योंकि इसको अगर मैं बेचता हूँ सोचो ना यार डिवेंचर तो खूब किया है आपने इसको मैं अगर आज बेचता हूँ तो भाई सामने वाले पर्सन से मैं कम से कम एक सौ छह रुपए सत्तर पैसे वसूल करूंगा इट मीन्स नाइनटी नाइन पॉइंट फोर टू इसका तो वसूल करूंगा ही करूंगा साथ में इंटरेस्ट भी तो वसूल करूंगा इट मीन मेरी नजरों से देखो तो इसकी वैल्यू आज एक सौ छह रुपए सत्तर पैसे ठीक है हाँ कितना रुपए हमें चाहिए हमें आठ करोड़ की बॉन्ड्स रखे रखी हमारे पे आठ करोड़ फेस वैल्यू है तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है यार वैल्यू निकालते बेटे अब ध्यान से समझना मेरे पास जितने भी बॉन्ड्स रखे हुए हैं टोटल आठ करोड़ तो उसकी एक्चुअल में आज वैल्यू कितनी है तो आज वैल्यू निकाल लेते हैं क्या निकाल लू आठ करोड़ को आठ सौ लाख बोल डिवाइडेड बाय सौ फेस वैल्यू लेकिन आज वैल्यू कितनी है वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवन जीरो आज वैल्यू है रुपीज इसकी फाइव थ्री सिक्स जीरो तो, आठ करोड़ तिरपन लाख साठ हजार आज इसकी ये वैल्यू है यहाँ तक तो कोई समस्या है क्या बोलो नहीं इट सर जो बॉन्ड्स रखे हैं उस पर आपके उसकी वैल्यू कितनी है इतनी एट करोड़ फिफ्टी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड इट मीन सर जब आप इसको दोगे बैंक बी को बाद में भले ही खरीद लेना जब बैंक बी को दोगे तो आपको उधार कितना मिलेगा सर हमें तो इतना उधार मिलना आना चाहिए लेकिन बेटे इतना उधार नहीं दिया जाएगा भाई कल को कोई समस्या हो तो मार्जिन काट के बोले थोड़ा तो मार्जिन मार्जिन काट के उधार दिया जाएगा इट मीन जितनी इसकी वैल्यू पूरा नहीं बोले उधार ही तो देना तो मार्जिन काट कर और मार्जिन कितना परसेंट बोले दो परसेंट मार्जिन काट के मतलब इसका जितना सिक्योरिटी वैल्यू है उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा हमको उसका 98 परसेंट ही मिलेगा तो इंटू क्या कर देते हैं इंटू नाइनटी परसेंट तो हमें उधार कितना मिल पाएगा देख लेते हमें मिलेगा उधार रुपीस एट थ्री सिक्स 800. कितने परसेंट पे उधार मिलेगा ये है बिट। हमें रेट फाइव पॉइंट जीरो परसेंट पे और कितने दिनों के लिए फोर्टीन डेज के लिए तो सर जी हमें रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा हमें वापस कितना करना पड़ेगा समझदार हो विथ इंटरेस्ट

वन एट थ्री एट जीरो थ्री वो लेता हूं प्लस एट थ्री सिक्स फाइव टू एट डबल जीरो तो टोटल हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा टोटल रुपीस एट थ्री एट थ्री सिक्स सिक्स जीरो थ्री यही पूछा है कि रिपेमेंट कितना करोगे मैच्योरिटी पर ठीक एक बार आंसर तो भी चेक कर लो एट थ्री एट थ्री सिक्स एट थ्री एट थ्री सिक्स सिक्स जीरो फोर है चलेगा तो अगर मैं आ, सीधी सी बात बोलूं कि क्वेश्चन पढ़ने में बड़ी समस्या है समझ तो में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कुछ है नहीं है भैया बिल्कुल टाइम पास कर रहा है पूछ रहा है इतना लोन लेंगे 5.65 पे 14 डेज बाद तो बताओ वापस कितना करेंगे हो गया बात तो फिर हम ये सिक्योरिटी क्या करेंगे पहले दिए थे वापस परचेस कर लेंगे और जो वे इंटरेस्ट है वो पैसा दे देंगे उस दिन सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी वो दे देंगे खत्म बात ठीक है जी तो ये क्वेश्चन था और सुनो इसी के जैसा है ये क्वेश्चन नंबर फोर है ना आप अपनी शीट में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर टेन यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है वो आप कर लोगे होमवर्क है सॉल्यूशन तो आपके पास है ठीक है इट मीन्स आज की डेट कौन सी है अगर मैं कहूं आज की डेट फैब चल रहा है ट्वेंटी फाइव के आसपास नाइनटीन ट्वेंटी फाइव तो अभी तक का जो भी अपडेट हो रहा है जितने भी क्वेश्चन नए आए होंगे सब कुछ आपको इसी इन्हीं लेक्चर्स में मिल जाएगा ठीक है आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना जितना करवा रहा हूं उतना करना तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस बिल्कुल नए नए क्वेश्चन से मजा आ जाएगा चलते नेक्स्ट पे चलिए जी अब बात करते ऐसे दो क्वेश्चन की जो आपके सिलेबस में थे ही नहीं सर इसका मतलब इसका मतलब हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस का डू पॉइंट एनालिसिस का भी क्वेश्चन है इसमें देखा जाए तो रिटर्न इक्विटी पे वो दो क्वेश्चन कौन कौन से थे एक ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था हालांकि आईसीएआई ने इसका जो सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया उसमें कुछ गलतियां किया है पर एक बार देखते हैं क्या बिना टाइम खराब की तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर रहे जो एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में कब आया था सर एग्जाम में आया था जनवरी 2021 में न्यू सिलेबस में आया था आठ नंबर का क्वेश्चन किस चीज का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को तो भाई बैलेंस शीट दे रखा चंद्र लिमिटेड का कब का थर्टी मार्च दो शेयर कैपिटल है रिजर्व है लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन पेबल एंड प्रोविजन इन्वेंट्री रिसीवेबल कैश मतलब चौदह सौ लाख रुपए का आपके पास टोटल एसेट्स है ठीक है बोले सेल्स फॉर द ईयर बोले सेल्स जो ईयर का है वो है छह सौ लाख और सेल्स जो है वो ग्रो हो जाएगा बोल रहा है ट्वेंटी परसेंट द ईयर मतलब सेल्स कितना हो जाएगा सर सेल्स हो जाएगा सिक्स हंड्रेड लैग इंटू वन पॉइंट टू टू जीरो सात सौ बीस लाख रुपए का सेल्स हो जाएगा ठीक यहां तो कोई समस्या नहीं प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो फोर परसेंट फिफ्टी परसेंट ठीक है भाई सेल्स बढ़ेगा तो उसका हम प्रॉफिट निकालेंगे और उससे कितना डिविडेंड देना है ये भी निकाल लेंगे द कंपनी फर्दर डिजायर दैट क्या लगता है भाई कंपनी को द कंपनी फर्दर डिजायर दैट ड्यूरिंग द करेंट सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन्स एंड पेबल्स एंड प्रोविजंस बोले रेशियो रहेगा फोर इंस टू थ्री बोल रहा है सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन्स एंड पेबल्स एंड प्रोविजंस का जो रेशियो है वो मेंटेन करना है फोर इंस टू थ्री ठीक है जी बात समझ में आ गई रेशो फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन्स वन पॉइंट फाइव ठीक है और डेट इक्विटी रेशियो बोले किसी भी हालत में 1.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए अभी तक मुझे बस एक बात समझ में आई सेल्स बढ़ना है 20% द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट भाई साहब बोलना क्या चाह रहे हो सेल्स बढ़ना उसके लिए वो बोल रहा है बाहर से कितने पैसों का अरेंजमेंट करें मतलब मतलब क्या एक्चुअल में इसमें एक लाइन मिसिंग है कि जो फिक्स एसेट्स वो भी ट्वेंटी परसेंट से बढ़ेगा हालांकि कोई शक की बात नहीं है हम अच्छे से जानते हैं सेल्स का पैसा बढ़ता है सेल्स बढ़ता है तो सेल्स के बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है सेल्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल में भी चेंज होगा या तो स्टॉक बढ़ेगा या तो डेट्रेस बढ़ेगा या तो कैश बढ़ेगा कोई शक की बात नहीं है सेल्स के बढ़ने से और ये भी बढ़ता है ठीक है सेल्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है इसमें कोई शक भाई सेल्स माल बेचा माल बेचा तो या तो स्टॉक बढ़ेगा स्टॉक नहीं बढ़ेगा सर रिसीवे, रिसीवेबल बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा सर हमने उधार लाया होगा तो ठीक है उसी रेशो में आपका पेबल बढ़ जाएगा लेकिन उसके लिए एक्सटर्नल फंड की क्या जरूरत है एक्चुअल में क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि फिक्स एसिड भी बढ़ेगा ट्वेंटी परसेंट से यह नहीं लिखा हुआ है और ये एडजम्सन ले लिया उन्होंने कि फिक्स एसिड भी बढ़ेगा ट्वेंटी परसेंट से तो सुनो पैसों की अरेंजमेंट की जरूरत है मतलब सर ये टोटल बढ़ेगा ट्वेंटी परसेंट से यस ट्वेंटी परसेंट से बढ़ेगा सर इसका मतलब फोर्टीन हंड्रेड लैक्स अभी फिक्स एसिट्स टोटल एसेट है माइनस टू हंड्रेड लैक्स और ये बढ़ेगा ट्वेंटी परसेंट से तो हमें ट्वेंटी परसेंट की ज़रूरत है ट्वेंटी परसेंट यस पैसा ये बढ़ रहा है ना तो ट्वेंटी परसेंट फंड की ज़रूरत है क्योंकि नेट एसिड्स बढ़ने वाला है ट्वेंटी परसेंट से एजम्पन एजम्शन क्या कि फ़िक्स एसिड भी बढ़ेगा ट्वेंटी परसेंट से ये एज्यूम किया है और ये तो वैसे भी ट्वेंटी परसेंट से बढ़ना ही बढ़ना था ठीक है नेट एसिड तो बढ़ना ही था ट्वेंटी परसेंट से तो सर उस हिसाब से चौदह सौ माइनस टू हंड्रेड इन ट्वेंटी परसेंट हमें दो सौ चालीस लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी यस क्योंकि सेल्स बढ़ रहा सिर्फ मैंने ये एज्यूम किया कि सेल्स के बढ़ने से फिक्स एसिड बढ़ रहा है ट्वेंटी परसेंट से ये लाइन लिखी होनी चाहिए थी नहीं लिखी तो सर हमें दो सौ चालीस लाख रुपए चाहिए यस अब सवाल यह है कि 240 लाख रुपए का कहां से होगा बोले कुछ तो हम प्रॉफिट को यूज कर लेंगे मतलब वो बोल रहा है कि यार हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे कितना कमाएंगे हम बोले जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा चार परसेंट बोले उसका हम फिफ्टी परसेंट ही डिविडेंड देंगे बाकी पैसा बचा लेंगे और उस पैसों का यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही उन पैसों का यूज कर सकते लेकिन उसके अलावा भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी हाँ जी तो वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए हमें बाहर से पैसों की कितने की जरूरत है एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट 240 लाख चाहिए हाँ बोलो हाँ तो 240 लाख में कुछ हम डिविडेंड का यूज कर लेंगे बिल्कुल डिविडेंड बांट के जो पैसा बचेगा ना रिटर्न उसका यूज कर लेंगे बाकी बाहर के पैसों का कितना जरूरत है तो देखो इन्होंने कैसे कर रखा फटाफट से ले चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा उन्होंने तो कहा यार सेल्स सात सौ बीस लाख हो जाएगा उसका प्रॉफिट मार्जिन चार परसेंट और उसका डिविडेंड दे देगा दे देंगे हम ये तो बोले ये जो इतना बचा ना इतना पैसों का हम यूज कर लेंगे हमें कितना चाहिए हमें दो सौ चालीस लाख चाहिए उसमें से 14.4 तो हमारे पास पैसा रिटर्न अर्निंग है तो हमें जो पैसों की जरूरत है एक्चुअल में वो दो सौ पच्चीस पॉइंट फंड रिक्वायर्ड दो सौ पच्चीस पॉइंट सिक्स जीरो लैख इतना पैसा चाहिए ठीक है।, है अब इतने पैसों का अरेंजमेंट हमें डेट के थ्रू करना पड़े अगर डेट से बात नहीं बनी क्योंकि कुछ रेशियो मेंटेन करना तो फिर भैया इक्विटी ही हमारे पास एक ऑप्शन है अब कुछ रेशियो मेंटेन करना है, और पहला रेशियो क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं पहला रेशियो उन्होंने कहा ठीक है जी पैसों की व्यवस्था कर लेना लेकिन एक शर्त है बोले सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स एंड प्रोविजन फोर इज टू थ्री होना चाहिए सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड प्रोविजन कितना होना चाहिए 4 इश्तू 3 क्या सेल्स हमको पता है यस कितना 720 लाख डिवाइडेड बाय शॉर्ट टर्म लोन्स एंड प्रोविजन 4 इश्तू 3 मतलब 4 बाय 3 ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करके कितना आ रहा देखते हैं 720 720 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 4 तो सर हमें 540 लाख ,00 रुपए का हम शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोविजंस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं लाख ,00 अब हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट टर्म लोन वगैरह कितना है ये देखो 300 लाख ,00 ये है और 200 लाख ,00 ये पर ये 20 परसेंट से बढ़ गया 20 परसेंट से बढ़ा ना तो 200 सौ प्लस ट्वेंटी परसेंट सर ये दो लाख ,00 हो गए तो इस हिसाब से हमारे पास तीन लाख ये है दो लाख ये तो टोटल मिलाकर पांच लाख ,00 अभी एग्जिस्टिंग है हम सोच रहे कि और शॉर्ट टर्म लोन से पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं भाई और कितना मेंटेन करना है 540 540 और अभी अभी कितना है 540. तो भाई साहब आप पैसों का अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते शॉर्ट टर्म एंड सवाल ही पैदा नहीं होता यहां तक बात समझ में आई हाँ बोलो हाँ एक्चुअल में हम ये रेशियो इसलिए देख रहे थे कि यहाँ हम शॉर्ट टर्म लो, हमें कितने पैसों का एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट है कितने पैसों का सर हमें इतना है 225 लाख चाहिए तो हम ये चेक कर रहे शॉर्ट टर्म लोन से व्यवस्था हो सकती है क्या और कोई आंसर आ रहा नहीं सर नहीं हो सकती इसलिए क्योंकि आपको 540 लाख मैक्सिमम इससे ऊपर आप ले ही नहीं जा सकते और आपके पास तो ऑलरेडी लिमिट जो है 540 लाख की पूरी हो गई यहाँ आई ने क्या गलती कर रखा यहां साहब उन्होंने 720 लाख की जगह 600 लाख ले रखा लॉजिक क्यों क्यों 600 लाख जब बात ही हो रही है सात लाख की तो कुछ लोगों का ये कहना पड़ा कि सर देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को द कंपनी फर्दर डिजायर द डूरिंग द करंट ईयर सेल्स सर लिखा है करेंट ईयर सेल्स और करंट ईयर सेल्स तो 600 लाख बेवकूफ बनाने वाली मत ये क्या तरीका हुआ लिखा तो है करंट ईयर सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन वो बोल रहा है डूरिंग द करेंट ईयर सेल्स टू शॉर्ट टर्म ये लैंग्वेज है ना भाई आईसीएआई ने क्या कर रखा है आईसीएआई ने 600 लाख के हिसाब से निकाला है तो लिमिट है बोले 450 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बोले लिमिट हो गई है 500 लाख एग्जिस्टिंग तो हम नया पैसा तो एक पैसा उठा नहीं सकते शॉर्ट टर्म लोन से उन्होंने ये क्वेश्चन 600 लाख के हिसाब से कर दिया जिससे मैं सहमत नहीं हूं हालांकि मेरी सहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता एक गलती यहाँ दूसरा क्या किया है सर उन्होंने चलो दूसरे की भी बात कर लेते हैं इसको हटा दूं आप सर हमें कैसे करना है आईसीएआई के हिसाब से कीजिए मैं कुछ नहीं कर सकता है दूसरा क्या रेशो है बोले रेशो फिक्स एसिड टू लॉन्ग टर्म लोन फिक्स एसिड टू लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू कितना कितना था वन पॉइंट फाइव सर फिक्सिट कितना सात सौ बीस सर क्या बात कर देखो ना भाई 600 सौ है तो बीस परसेंट से बढ़ेगा मैंने पहले ही कहा था तो ठीक है सर सात सौ बीस लॉन्ग टर्म लोन कितना हम मेंटेन कर सकते हैं सात सौ बीस डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव तो सर हम चार सौ अस्सी लाख तक रख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन और हमारा ऑलरेडी कितना है लॉन्ग टर्म लोन चार सौ लाख है तो लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू और कितने पैसों का अरेंजमेंट किया जा सकता है सर अस्सी लाख का अरेंजमेंट किया जा सकता मतलब हमें जो चाहिए दो सौ पच्चीस पॉइंट सिक्स इसमें से हमारा अस्सी लाख रुपए का अरेंजमेंट हो चुका है पर एक बार और रेशियो देख लेते हैं डेट इक्विटी रेशो और डेट इक्विटी रेशो एक वन पॉइंट फाइव से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो डेट डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है साथ? सर डेट की बात करो तो ये चार सौ की जगह हम अस्सी और उठा सकते चार सौ अस्सी है और ये तीन सौ तो सर सात सौ अस्सी सॉरी सर डेट सात सौ अस्सी इक्विटी का बात देख यस इक्विटी कितने का सर तीन सौ और दो सौ कितना होता है पांच सौ और सर बाकी पैसे इट मींस हमें जरूरत कितने की थी सर हमें जरूरत है दो सौ पच्चीस पॉइंट इसमें अस्सी का तो व्यवस्था कहां से हो गया लॉन्ग टर्म लोन से तो भी आपको 145.60 इक्विटी से तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है तो इक्विटी बढ़ जाएगा तो सर सात पाँच सौ प्लस वन फोर्टी जीरो एट है और यहाँ कितना वन पॉइंट फाइव से ज्यादा नहीं होना चाहिए सॉरी डेट इक्विटी रेशो वन पॉइंट फाइव से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये तो कम है तो ठीक है आप 80 लाख का लोन ले लीजिए लॉन्ग टर्म लोन से पैसों का अरेंजमेंट कर दीजिए दैट्स इट। तो बस देखो इन्होंने क्या क्या अमाउंट क्या शॉर्ट टर्म से कुछ हो सकता है नहीं क्या लॉन्ग टर्म से कुछ हो सकता है अस्सी और इक्विटी से कितना हो सकता है वन फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो खत्म अब देखते क्वेश्चन में क्या कर किया ठीक है इसमें कोई शक नहीं बताओ भाई साहब यहाँ बीस परसेंट बढ़ाकर फिक्सिट ले लिया ठीक है अस्सी लाख की व्यवस्था कहां से हो जाएगी लॉन्ग टर्म और इक्विटी से कितने की व्यवस्था हो जाएगी वन डेट इक्विटी रेशियो इन्होंने निकाला ही नहीं इनकी जरूरत नहीं क्या क्वेश्चन अच्छा है यस yes. पर क्या क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है यस फिक्स एसिड भी ट्वेंटी परसेंट से बढ़ना चाहिए ऐसा लिखा होना चाहिए था पर इन्होंने एज्यूम किया आप भी एज्यूम करके कर लिया एक गलती मुझे नजर आई यहां की सॉरी यहां की 600 लाख के हिसाब से नहीं लेना चाहिए पर कुछ लोगों का ये कहना नहीं सर, नहीं सर 600 लाख करेंट सेल्स लिखा ठीक है तो क्वेश्चन में मोटा मोटा क्या था क्वेश्चन में कुछ था नहीं एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट मांग रहा था जो आराम से हो सकता था सबसे पहले ये देखो कि पैसों की कितने की जरूरत है दो हमारे पास ऑलरेडी डिविडेंड कितना रखा वो माइनस कर दो तो जो बच्चा वो क्या आ गया ई एफ आर एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट और रेशो के हिसाब से फिर देख लो कि कितने की ओर ठीक है ये क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का ये वाला क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं जी इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में भी क्या है सर देखते हैं बोले एबी इंडस्ट्री के पास इक्विटी कैपिटल है बारह लाख डेट है आठ लाख सेल्स बोले अभी सेल्स होता तीस लाख दो प्रपोजल है अंडर कंसिडरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर प्रपोजल नंबर वन प्रपोजल नंबर टू टारगेट एसिड टू सेल्स रेशियो दे रखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन है डेट इक्विटी रेशियो है रिटेंशन रेशियो है एनुअल डिविडेंड है और नीम इक्विटी रेशियो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर बोथ द प्रपोजल सर ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर बी का मतलब होता है सर रिटेंशन रेशियो और किस्मत की बात रिटेंशन रेशियो दे रखा है पचहत्तर परसेंट मतलब पॉइंट सेवन फाइव अब किस चीज की जरूरत है सिर्फ एक चीज और आर।, आर का मतलब क्या होता है आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी बस यही एक खेल है रिटर्न और वो पता लगा तो हो गया ग्रोथ रेट पर यार इतना बड़ा गेम है इसमें एक्चुअल में रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है सर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी बस बात खत्म क्या पैट निकाल सकते हैं यस हमें सेल्स पता लग जाएगा सेल्स पता है तो सेल्स से हम प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे आ गया पैट दिक्कत क्या इट मींस मैं ये कहना का चाहता हूं सॉरी सेल्स है तीस लाख हाँ बोलो अब 30 लाख का 65 परसेंट अच्छा ये टोटल एसेट क्या छोड़ो मुझे टोटल 30 लाख का फोर परसेंट दिस वन पॉइंट सीधी सीधी बात दिख रही है भाई 30 लाख सेल्स से है और उसका चार परसेंट निकाले तो हमने पैट आ गया 30 लाख का चार परसेंट तो कितना आ गया 1.20 ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब सवाल है इक्विटी कितना अगर ये पता लग गया तो बात खत्म हो गई सर इक्विटी दिख तो रहा है ना कितना बारह लाख बिल्कुल दिख रहा है अगर मैं पैट डिवाइडेड बाई ये करूं तो पर इन्होंने जो रेशियो यूज किया उन्होंने फ्यूचर इक्विटी के बेसिस पे किया उन्होंने आईसीए ने अगर मैं करता ना तो मुझे पैट पता था वन पॉइंट टू जीरो डिवाइडेड बाई क्या करता ट्वेल्व लैक इन टू हंड्रेड करता परसेंटेज में आ जाता पर इन्होंने नहीं कर रखा इन्होंने कैसे कर रखा सुनो ये फॉर्मूला होता है उन्होंने कहा रिटर्न ऑन पता है जब आप इंटर में थे तब यूज करते थे इन्होंने क्या कर रखा बिल्कुल ध्यान, ध्यान से समझना मेरी बात को उन्होंने कहा वैसे तो रेशो होता है ये पर हमने एक रेशो पढ़ रखा है और वो रेशो क्या था कहना फैट डिवाइडेड बाय सेल्स एक रेशो होता है कि यार सेल्स पे आपने कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो ठीक है और एक रेशो था जिसका नाम था एसिड टर्नओवर रेशो एसिड टर्नओवर सेल्स डिवाइडेड बाय एसिड तो आपने इन एसिड को यूज करके कितना सेल्स अर्न किया सेल्स कितना जनरेट किया और एक रेशो था कि आपके पास जो टोटल एसिड है वो इक्विटी से कितना गुना ज्यादा है ठीक है अब इनका ये कहना पड़ा कि देखो साहब एक रेशो और अगर इनको काटा जाए सुनना ध्यान से सेट से से और एसिड तो अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय तो ही बना ये तो बना पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी ठीक है अब इन्होंने क्या कर रखा इनका ये कहना कि साहब ऐसा कर सकते हैं क्या अब ध्यान से बना सेल्स सेल्स कट रहे थे तो बस हमारे पास फिर बचा क्या पैट डिवाइडेड बाय एसिड और एक क्या बचा एसिड डिवाइडेड बाय और इसको यूज करके इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बना लिया बस क्या पैट हमको पता है यस पैट कितना पता है सर पैट का क्या आप देखो ध्यान से उन्होंने क्या कर रखा मैं उन्हीं के हिसाब से चल रहा हूं अब ध्यान से सुना इसको हटा दूं रिटर्न ऑन इक्विटी को फिर से क्या बना हमारा पैट डिवाइडेड बाय एसेट्स इनटू दूसरा फॉर्मूला क्या था एसेट्स डिवाइडेड बाय ठीक है और हमने किसी तरह से कैलकुलेशन करके हमने एसेट निकाला ये आ गया 19.50 पॉइंट फाइव जीरो लैक्स नाइनटीन लैक्स तो इन्होंने क्या किया पैट कितना है 1.20 डिवाइडेड बाय 19.50 पॉइंट और बोले डेट इक्विटी रेशियो ये मेंटेन करना है मतलब टोटल एसेट कितना हो गया फाइव दो और तीन फाइव और इक्विटी कितना हो गया इसमें से थ्री और इनटू हंड्रेड किया तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया ठीक है 1.20 डिवाइडेड बाय 19.50 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 3 इन तो यह आ गया 10.26 परसेंट ठीक है इस हिसाब से देख मैं इसकी बात कर रहा हूं प्रपोजल वन की इस हिसाब से r इज इक्वल टू r ग्रोथ रेट सॉरी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू b b कितना था 0.75 0.1026 तो 0.75 इनटू 0.1026 तो ग्रोथ रेट आ गया सा 0.0769 या 7.69 पर ठीक एक्चुअल में एक था कॉन्सेप्ट बस एक था इट मींस इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके क्या बनाया जा रहा था रिटर्न ऑन इक्विटी यहां भी आई ने और एक जबरदस्त गलती किया उन्होंने ये वाला फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मतलब इक्विटी ऊपर लिख दिया एसेट नीचे लिख दिया उसकी वजह से 1.20 डिवाइडेड बाय 19.5 बाई नाइनटीन पॉइंट फाइव इंटू थ्री बाई फाइव हंड्रेड तो ये आ गया 3.69 परसेंट आया रिटर्न ऑन इक्विटी ये देखो 3.69 परसेंट आया जो कि गलत है एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये 20 ऊपर और 12 नीचे होना चाहिए था पर कुछ नहीं कर सकते उसके सवाल उसके बाद इन्होंने ग्रोथ रेट निकाल लिया कोई समस्या नहीं होनी चाहिए था समस्या है ये है मैंने आपको बताया कि रेट फॉर्मूला क्या बना था फॉर्मूला पैट डिवाइडेड बाय एसिड एसिड डिवाइडेड बाय इक्विटी इसमें दिक्कत नहीं थी लेकिन उन्होंने ये वाला फार्मूला उल्टा लिख दिया ठीक ऐसी प्रपोजल नंबर टू में अगर मैं इसी फॉर्मूले पे जाता हूँ प्रपोजल नंबर टू में सुना तो टू में क्या किया है टू में इनका ये कहना है यार हमारा इक्विटी बढ़ रहा है वन लाख से मतलब इक्विटी पहले कितना था सर पहले इक्विटी था बारह लाख और अब हो गया तेरह लाख मतलब इसके थ्रू पहले इन्होंने टोटल एसेट निकाला तो टोटल कहनाविटी हो गया तेरह लाख इक्विटी तो रेशो फोर इज टू वन है फोर इज टू वन तो तेरह लाख है हमारा इक्विटी तो डेट कितना होगा फिफ्टी टू तो थर्टीन प्लस फिफ्टी टू तो सिक्सटी फाइव लाख हमारा टोटल एसेट हो गया बात समझ में आ रही इस तरह से इन्होंने काम कर रखा इन्होंने इस बार सबसे पहले सेल्स सबसे पहले इसमें उन्होंने बोले तेरह लाख क्योंकि नया इक्विटी दिया है तो बोले बारह लाख का इक्विटी पहले से था एक लाख नया तो तेरह लाख का इक्विटी और डेट हो गया फिफ्टी टू लैक्स तो टोटल कितने का है बोले सिक्सटी फाइव लैख हमारा तो टोटल एसेट्स है और इस इस रेशो को यूज करके उन्होंने सेल्स निकाला और इस रेशो को यूज करके इन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया और हमारा आर निकालने का फॉर्मूला क्या है पैट डिवाइडेड बाय एसेट्स और एसेट्स डिवाइडेड बाय एक तो पैट निकला है हमारा 5.24 एसेट एसिड कितना है एसिड है 65 एसेट एसिड कितना है 65 और इक्विटी कितना है 30 आंसर आ जाएगा हमारा किसका रिटर्न ऑन इक्विटी का 5.242 डिवाइडेड बाय 65 65 डिवाइडेड बाय 13 100 सर so, आंसर आ गया परसेंट। वैसे मैं सीधा भी निकाल सकता था इसकी भी जरूरत 65 65 तो वैसे भी कट रहा है यार लेकिन इन्होंने ये वाला फार्मूला जो है ना ये उल्टा लगा दिया है

उसके बाद रिटेंशन रेशो तो कोई दिक्कत ही नहीं बोले इतना हमने कमाया उसमें से इतना डिविडेंड दिया एक्चुअली डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में यह दिया है डिविडेंड तो बोले हमने जो कमाया था उसमें से डिविडेंड गया तो परसेंटेज में ये आ गया उस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ रेट निकाला सर हमें करना कैसे ये क्वेश्चन टोटली गलत है सॉरी पर इस क्वेश्चन को तो मुझे गलत मैं बोल ही नहीं सकता कैसे कर लेना करके मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ अगर ये क्वेश्चन आए तो प्लीज आप सीधा पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना ग्रोथ रेट तो आप निकाल ही सकते हो उसको इसको रिटर्न बी रिटेंशन से मल्टीप्लाई कर क्वेश्चन आसान था क्वेश्चन में कुछ नहीं था जानबूझ के घुमाया है घुमायाजेस्टेड में मुझे नहीं पता कि क्यों किया सर तो अगर हम आप जो बोल रहे हो वो किए और गलत हो गया तो कॉन्सेप्चुअल यार मैं जो बता रहा हूँ वही सही अल्टरनेटिव ऐसा भी कर देना मैं फिर से बोल रहा हूँ वैसे तो यही सही है पर अगर ऐसा लग रहा कि यार कार्ड दिया तो तो अल्टरनेटिव यार ऐसे भी कर देना दो दो आंसर निकाल ले थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अब बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ठीक है दोनों ही मुश्किल क्वेश्चन थे पर सुनो ये दोनों कोर्स में नहीं है भाई ये दोनों ही कोर्स में नहीं है आपकी तो पता नहीं क्यों पूछ लिया था और हमने कर लिया चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में थैंक यू हाँ जी चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन की पहले देख ले क्या लिखा हुआ है yes. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है नवंबर 2020 मतलब है और न्यूज सिलेबस में और सुनो भाई साहब सुनिए 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 कितने नंबर का क्वेश्चन आया है बारह नंबर का क्वेश्चन आया है ठीक क्या है क्वेश्चन देखा जाए तो ये मुझे मर्जर एक्विजिशन में करवाना चाहिए क्वेश्चन पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें सिक्योरिटी का वैल्यूशन पूछ रहा है इसलिए मैं करवा रहा हूं देखते क्या लिखा लिखा आईसीएल इज प्रपोजिंग टू टेक ओवर सीन क्या सीन ये है आईसीएल है और एक नाम क्या है एच वी एल आई सी एल एच वी एल और ये इसको टेक ओवर करना चाहता है ठीक है जी विथ एन ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्जिफाई ठीक है ठीक है बोले आईसीएल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सर मतलब 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 मतलब, मतलब इसका उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इधर नीचे दिया है बोले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 18 परसेंट से ग्रो होगा जबकि एस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 परसेंट से ग्रो होगा इसका कितना परसेंट से 15 परसेंट से ग्रो होगा ठीक है बोथ द कंपनीज पे डिविडेंड रेगुलरली ठीक है ये भी अच्छी बात द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बोथ द कंपनीज और फॉलोस सेल्स दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर टैक्स दिया इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है डिविडेंड दिया है ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ये होगा प्रोविजन फॉर टैक्स ये होगा पैट ये होगा डिविडेंड ये होगा ठीक है चल जाएगा आपके जो है ना मटेरियल जो आपको मिला होगा उसमें सही लिखा होगा ठीक है आप मैनेज कर लीजिएगा इतना इसके अलावा क्या क्या दिया फिक्स एसिड्स फिक्स एसिड्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर इनको जोड़कर है सोलह सौ पचासी किसका का का ऐसी एस बी एल का लैंड एंड बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है इन सबको जोड़ के फाइव फाइव जीरो ठीक है आगे बढ़ते क्वेश्चन करंट एसेट्स है सेवन सेवन फाइव फाइव एट जीरो के इसके अलावा करंट लायबिलिटी में ये सब कुछ है इन सब का टोटल चार सौ सत्तर इसका है करंट लायबिलिटी और इसका है दो सौ चालीस मैडम कैपिटल जो है दस रुपए के एक शेयर दो सौ पचास लाख है मतलब पच्चीस लाख शेयर है इसमें पच्चीस लाख में करोड़ में ट्वेंटी फाइव करोड़ है और इसके शेयर दस का एक है तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो जाएगा क्या इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस भी है तो अप कैपिटल ये, ये, तो ये, ये बैलेंस शीट का टोटल ये बैलेंस शीट का टोटल तेरह सौ और छह सौ पचपन को ऐड किया तो वन नाइन फाइव ठीक है सर बैलेंस शीट हमने रीड कर लिया बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मांगा क्या ये अभी तक मुझे नहीं पता और शेयर का प्राइस दिया है फिफ्टी टू तो ये होगा आईसीएल का प्राइस और ये है होगा एस वी एल का प्राइस पचहत्तर रूपये आईसीएल की लेन एंड बिल्डिंग जो आईसीएल की लेन एंड बिल्डिंग है वो करंट प्राइस पर है ठीक है पर जो एस की लेन एंड बिल्डिंग है एस की लेन एन बिल्डिंग है वो रिवेल्व किया गया था तीन साल पहले तीन साल पहले का रेट दिया अभी का प्राइस क्या है भाई तो बोले इंक्रीज हो रहा है वैल्यू इनक्रीज हो गई थर्टी परसेंट साल थर्टी तो तीन साल 30%, 30%, 30, तो आज वैल्यू कितने से बड़ी होगी फिर उस पर और थर्टी परसेंट पर ईयर दिया है अगर ये पर ईयर शब्द नहीं दिया होता तो मैं थर्टी परसेंट इंक्रीज कर देता जैसे हम पार्टनरशिप में किया करते थे बचपन में ठीक है एल जो है बोले वो ग्रो होगा 18 परसेंट आफ्टर अगर मर्जर हो जाता है तो एस का जो डिविडेंड है या जो भी ग्रोथ रेट कितना रहेगा बोले 18 परसेंट रहेगा बोल रहा है आई मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द प्रीमियम ऑन द शेयर्स ओवर द करंट मार्केट प्राइस विच कैन बी पेड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस सुनो भाई सुनो मेरी बात ठीक से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है सेवेंटी तो बोल बोला जा रहा है हम बोला ये जा रहा है सुनना बिट्टे कि जो सेवेंटी फाइव रुपीज है एस वी एल एस वी एल के शेयर का प्राइस सेवेंटी फाइव है मैं कौन हूं मैं हूं आईसीएल तो मैं कहता हूं आपके शेयर का प्राइस वैसे तो मार्केट में पचहत्तर है पर आप इतनी अच्छी कंपनी है कि आपको हम आपका एक्चुअल में प्राइस एक्चुअल प्राइस 80 रुपए हो गए कहां से आया 80 रुपए मन से लिखा हूं इट मींस हम आपको 80 देने को तैयार हैं हम आपको 5 रुपए ज्यादा देने को तैयार हैं दिस इज प्रीमियम हमें इस कंपनी का एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये बात है सर मतलब मतलब वो पूछ रहा कि कितना प्रीमियम हमें ये वाली वैल्यू निकालना है कि कितना हम एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं दिस यही पूछा आईसीएल आईसीएल मतलब हम जो एक्वायर कर रहे हैं सामने वाली कंपनी को आईसीएल मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द प्रीमियम बोले प्रीमियम कितना ऑन द शेयर ओवर द करंट करंट मार्केट प्राइस से एक्स्ट्रा कितना देंगे Which can be paid on the जब हम एस वी एल को खरीदेंगे तो पचहत्तर रुपए से ज्यादा देने वाले हैं तो कितना रुपए एक्स्ट्रा देने वाले परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं आगे क्या लिखा और बोले प्रीमियम को डिटरमाइन कैसे करोगे प्राइस को कैसे डिटरमाइन करोगे तो बोले एक काम कीजिएगा साहब सबसे पहले हमें सामने वाली कंपनी के क्या निकालना पड़ेगा शेयर का वैल्यू तो बोले शेयर का वैल्यू कैसे निकलेगा बोले दो तरीके पहला तरीका आप नेट एसिड बेसिस पे निकालिए आप नेटवर्थ और नेटवर्थ में जो करंट वैल्यू है ना लेने मिलने की वो ले लीजिएगा मतलब सर लेन एंड बिल्डिंग की वैल्यू आईसीएल का कौन सा वाला आईसीएल का नहीं सामने वाली कंपनी का क्या हम एक सौ नब्बे ले सकते हैं बोले एक सौ नब्बे नहीं लोगे थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट बढ़ाने के बाद ले लेना ठीक है भाई और इसके साथ आप प्लस कर देना इसमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयरस अगले कौन सी कंपनी जिसको हम खरीद रहे हैं उसके अगले पांच साल में जो भी प्रॉफिट होने वाला सबको जोड़ लेना और उसका एवरेज कर लेना वो भी नेटवर्थ में जोड़ देना और फिर निकालिए आप इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ़ शेयर वैसे तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरी, सारे तरीके नेट से बोल रहा है कि आप सारी एसिड्स को प्लस कर दीजिए और उसमें प्रॉफिट भी प्लस कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो एक शेयर की कीमत निकल जाएगी चलो सर तो करो करते हैं। सबसे पहली बात मैं किसकी बात करूंगा एसवी एस well, के पास लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाने के दो तरीके कैसे कर सकते हो वन नाइन जीरो प्लस, 30%, प्लस, 30%, प्लस 30%. तो सर यह आ गया फोर वन सेवन पॉइंट फोर थ्री या फिर ये थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट का तीन साल क्यों लिया है? ये देखो। 30 का निकालना था आपको आप ऐसा भी कर सकते थे थर्टी नहीं कितना था वन नाइन वन नाइन जीरो इंटू टू पॉइंट वन नाइन सेवन दिया है, तो यूज कर लेंगे. 190 2.197 तो सर ये कितना आ गया ये आ गया 41 7.43 और क्या हमने भी उतना ही लिखा है 417.43 ठीक है इसके अलावा मतलब इसको हमने नया वाला वैल्यू लिया यस इसके अलावा प्लांट और मशीनरी कितने की है 350 ये पूरा ले लो इसके अलावा 10 किस चीज का है फर्नीचर ये भी पूरा ले लीजिए सर इसके अलावा क्या है इसके अलावा करंट एसिड्स है फाइव एट जीरो अलावा और क्या है इसके अलावा साहब लाइबिलिटी माइनस करना पड़ेगा कितना दो सौ चालीस ये और एक सौ पांच ये माइनस करना पड़ेगा माइनस कितना हो जाएगा दो सौ चालीस माइनस कितना हो जाएगा एक सौ पांच इसमें अभी और एक चीज बाकी है एक चीज और बाकी अभी अभी वर्थ कर लू पूरा वन सेवन पॉइंट फोर थ्री प्लस थ्री फाइव जीरो प्लस टेन प्लस फाइव एट जीरो माइनस टू फोर जीरो माइनस वन जीरो फाइव तो साहब सर ये आ गया वन जीरो वन टू पॉइंट फोर थ्री कोई दिक्कत अभी भी बाकी ये तो निकल गया नेटवर्क तो निकल गए प्लस फ्यूचर प्रॉफिट तो साहब कितना प्रॉफिट हो रहा है चेक करना पड़ेगा आपको कहा गया ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये तो डिविडेंड है दो सौ पचास दो सौ पचास प्रॉफिट हो रहा तो आने वाले पाँच साल का एड करो एड कैसे कर सकते है? आने वाले पाँच साल का दो अभी है तो दो कितने कितने परसेंट से बढ़ेगा बोले प्रॉफिट बोले 15, 15 से बढ़ेगा तो प्लस दो सौ पचास प्लस फिफ्टीन परसेंट एम प्लस प्लस फिफ्टीन परसेंट एम प्लस 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 एम आर सी कैसे कि मैं फिर से बता दूं क्या 250 सौ पचास प्लस फिफ्टीन परसेंट एम प्लस एक बार प्लस फिफ्टीन परसेंट एम प्लस दो बार एम प्लस और लास्ट में क्या करोगे एम आर सी तो साहब ये आ रहा है 1938.43 ये पांच साल का तो डिवाइडेड बाई फाइव ये पांच साल का मिलाकर हर साल का मैंने जोर डिवाइडेड बाई फाइव एवरेज प्रॉफिट आ गया सर 387.69 एटी सेवन पॉइंट सिक्स नाइन ले लेता हूं सर ये निकालने का दूसरा तरीका यस क्योंकि आपको कम्युनिटी फैक्टर दिया हुआ ये दिया हुआ पंद्रह परसेंट के हिसाब से ये वाला फैक्टर दिया है तो सर हम ऐसे कर सकते थे दो सौ पचास सेवन पॉइंट सेवन फाइव थ्री सेवन दो सौ पचास इंटू सेवन पॉइंट सेवन फाइव थ्री सेवन बिल्कुल कर सकते हैं तो ये वही आ गया वन नाइन थ्री एट पॉइंट फोर टू फाइव और डिवाइडेड किससे करेंगे फाइव तो सर ये आ गया थ्री एटी सेवन पॉइंट सिक्स एट यही तो हमने भी निकाला क्रिएटिव सेवन पॉइंट सिक्स नाइन ठीक है ठीक है वो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर था पाँच साल का मिला के अब इसको ऐड कीजिए कितना आ रहा वन जीरो वन टू पॉइंट फोर थ्री प्लस थ्री एटी सेवन पॉइंट सिक्स नाइन तो सर ये आ गया वन थ्री नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन गलत हो गया क्या एक बार हमारे पास है ना यार सॉल्यूशन चेक करने में क्या जा रहा किधर गया सॉल्यूशन ये किया है ना, यस उतने के आसपास आ, तो आ गया वन जीरो आ गया फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट वन टू तो साहब फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट वन टू अप्रॉक्स थोड़ा सा कम ज्यादा चलेगा इतना आया अब भाई सामने वाली कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ट्वेल्व पॉइंट फाइव करोड़ तो डिवाइड किससे कर देंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी तो सर एक शेयर की वैल्यू आ रही एक सौ बारह रुपए एक सौ बारह पॉइंट डबल जीरो निकाल सकते कि वो कैसे निकलेगा एक सौ बारह जीरो जबकि एक्चुअल में शेयर कितने का 75 फाइव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज में इन्होंने टोटल में कर रखा अल्टीमेटली प्रीमियम प्रीमियम निकालना प्रीमियम निकल गया किया क्या कुछ नहीं जो क्वेश्चन में बताया मैंने वो कर लिया खत्म बात तो क्या हमने शेयर की इंटरसिक वैल्यू निकाला यस हमने कुछ नहीं किया हमने इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला एक शेयर की वैल्यू निकल गई और उसको फिर हम भाई सामने वाली कंपनी के शेयर का प्राइस सेवेंटी फाइव है और हम एक सौ बारह रुपए देने को तैयार है दिस इज प्रीमियम प्रीमियम और वो मैंने यहां निकाला बस बात ठीक है एक तो किस इस बेसिस पे दूसरा बोले डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूले से डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूले से तो डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूले से शेयर का वैल्यू कैसे निकलता है बड़ा आसान है डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूले से निकलेगा जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के माइनस जी ठीक अब ये फिगर हमको दिया है डिविडेंड का दिया एक सौ पच्चीस और नंबर ऑफ शेयर तो क्या डी जीरो निकल सकता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो सर डी जीरो आ गया दस रुपए पर इसमें के ही नहीं दिया है. आर बोल सकते के ये वो दिया नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहले हमें आर ही निकालना पड़ेगा या के निकालना पड़ेगा तो प्लस जी मर्जर से पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफरेटर एक ही रहेगा तो मर्जर के पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रेटर क्या था सर डी वन कितना सर दस इंटू पहले ग्रोथ रेट कितना था पंद्रह परसेंट पी जीरो कितना है सेवनटी फाइव प्लस पॉइंट वन इससे क्या निकलेगा इससे के ही निकल जाएगा ये आ रही 10 1 75 तो सर के ही आ गया पॉइंट थ्री जीरो और मर्जर के बाद ये निकल गया तो मर्जर के बाद पी इक्वल टू दस पर ये वन पॉइंट वन एट हो गया क्या चीज वन पॉइंट वन एट हो गया ग्रोथ रेट लिखा है कहीं ना कहीं कि मर्जर के बाद ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा अठारह डिवाइडेड बाई पॉइंट थ्री जीरो थ्री थ्री माइनस पॉइंट वन एट सर ये डी जीरो कि डी वन है आ, आपके सजेस्टेड ने दोनों ही कर रखा है इसको डी जीरो डी वन मान के किया पॉइंट थ्री जीरो थ्री थ्री माइनस पॉइंट वन एट एम प्लस में डाला दस इंटू वन पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाई एम आर सी टू तो सर नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन जीरो क्या परसेंटेज में निकाल सकते हैं प्रीमियम या सेवेंटी फाइव से ऊपर है सॉल्यूशन ही देख ले देखिए तो ये नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन जीरो तो परसेंटेज में आ गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो अब सवाल ये है कि यहां परसेंटेज ज्यादा है कि यहां परसेंटेज सर यहां ज्यादा है अगर ये ज़्यादा है और मैं आई सी एल हूँ तो मैं क्या ऑफ़र करूँगा इस बेसिस पे किस बेसिस पे इस बेसिस पे शेयर का वैल्यू मैं इस बेसिस पे काम करूंगा मैं ट्वेंटी सेवन परसेंट ज़्यादा देने को तैयार हो जाऊँगा मैं कहूँगा बस तो वही उसने लास्ट पॉइंट पूछा है कि अगर आप आई सी एल हो तो बताइए हम कौन सी मैथड अच्छी मानेंगे नेगोशिएशन के लिए तो नेगोशिएशन के लिए कम से कम देना डिविडेंड तो की की अच्छा के हिसाब से आपके शेयर का प्राइस नाइनटी फाइव रुपए साहब तो हम प्रीमियम दे सकते सेवन तो रुपीज दे सकते तो ये आया था। अच्छा क्वेश्चन था नया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो भी चुका होगा तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा चले अगले क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है गेयरिंग ऑफ बीटा का गियरिंग ऑफ बीटा और गेयरिंग ऑफ बीटा मुश्किल होता है पर मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल जाएगी एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ देखा इक्विटी ऑफ ए बी सी ए बी सी एल इज फाइव हंड्रेड करोर्स इट्स डेट इज वर्थ टू नाइनटी करोर्स सर मतलब मतलब एबीसीएल है इसमें इक्विटी है 500 हंड्रेड और डेट है टू नाइंटी करोड़ तो, तो टोटल मिलाकर सेवन करोड़ पैसा लगा हुआ सात सौ नब्बे करोड़ कोई दिक्कत यहाँ तक प्रिंटर डिवीजन अब इंपॉर्टेंट है बोले प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू सिक्सटी फोर पर विच हैज एसिड बीटा 1.55 पॉइंट फाइव फाइव बैलेंस वैल्यू इज एप्लाइड ऑन इस्पी एंड कंज्यूमेबल्स डिविजन विच हैज एन एसिड बीटा वन पॉइंट फोर जीरो जो ए बी सी एल है ये टोटल दो पार्ट में है इसके टोटल दो डिविजन है और डिवीजन कौन कौन से है बोले एक तो है Printer division, प्रिंटर division कितना परसेंट है बोले सिक्सटी फोर परसेंट है प्रिंटर division और इसका एसिड बीटा या बीटा पोर्टफोलियो कितना है वन पॉइंट फाइव फाइव और ऐसे ही स्पेयर एंड कंज्यूमेबल्स क्योंकि पेरेंट कंज्यूमेबल्स वो कितना परसेंटेज होगा 100 माइनस 64 तो सर इसका कितना शेयर है 36 परसेंट ये पार्ट है और इसका बीटा पोर्टफोलियो कितना है 1.40 यहां तक सुनो कहानी यह है कि एबीसीएल एक कंपनी है उसमें इक्विटी है 500 करोड़ का डेट है 290 करोड़ टोटल मिलाकर 790 करोड़ है और इसके दो डिवीज़न एक प्रिंटर और एक स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स प्रिंटर डिवीजन जो है सिक्सटी फोर परसेंट काम वहाँ होता है और इस पर थर्टी सिक्स परसेंट रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है मतलब टोटल किया गया बोले बीटा बीट पोर्टफोलियो इसका है वन पॉइंट फाइव और इसका बीटा पोर्टफोलियो है ओवरऑल बीटा वन पॉइंट फोर इसके अलावा ए बी सी एल का बीटा ऑफ डेट भी है मतलब यहाँ डेट का बीटा दिया हुआ है कितना पॉइंट टू ए आपको बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है सर बीटा ऑफ इक्विटी किसका निकालना इक्विटी बीटा वो बेटे इसका निकालना है एबीसीएल का कैसे निकलेगा सर अगर हमको इसका ओवरऑल बीटा पता हो ओवरऑल बीटा गियरिंग ऑफ बीटा आपने पढ़ा होगा है ना अगर इसका आपको ओवरऑल बीटा पता है तो फिर इसका बीटा हमें पता है तो इक्विटी का बीटा आराम से निकल जाएगा पर इसका ओवरऑल बीटा हमें पता नहीं है, लेकिन इन का तो 1.5564 और इसका ओवरऑल बीटा 1.4036 पॉइंट फोर जीरोज कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा सिंपल सी बात है ना यार अच्छा सर तो अगर मैं कहूं सीधी सीधी बात दिख रही है आपको कि भाई मुझे एबीसीएल का बी पोर्टफोलियो निकालना है तो वन पॉइंट फोर फोर इंटू फोर परसेंट प्लस वन पॉइंट फोर जीरो इंटू थर्टी सिक्स परसेंट आ जाएगा आराम से आंसर वन पॉइंट फोर फोर वन पॉइंट फाइव फाइव इंटू सिक्सटी फोर परसेंट एम प्लस Into 36 M plus MRC. ये आ गया बत करता। आंसर कहां गया? ठीक है सर यहाँ तक ठीक है अब हम क्या बीटा ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं यस yes, आसानी से अब सुना क्या टैक्स का रेट तो नहीं दिया ना पॉइंट नंबर वन में पॉइंट नंबर वन में कोई टैक्स वैक्स का रेट नहीं दिया तो सर अब काम कैसे करेंगे अब देखो बीटा पोर्टफोलियो इज इक्वल टू तो बीटा टॉप इक्विटी इन टू ई और नीचे ई प्लस डी प्लस बीटा डेट इनटू डी ई प्लस डी टैक्स होता तो यहां वन माइनस टैक्स हो जाता ठीक है क्या ओवरऑल बीटा हमको पता है यस वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स बीटा ऑफ इक्विटी हमें निकालना है इक्विटी हमने मालूम है फाइव हंड्रेड और ये है सेवन नाइन जीरो प्लस डेट का बीटा हमें पता है पॉइंट

क्या यस वन पॉइंट पॉइंटेड बाई थ्री पॉइंट फोर नाइन सिक्स माइनस पॉइंट वन जीरो टू एट डिवाइडेड बाय पॉइंट सिक्स थ्री टू नाइन तो, तो फाइनल आंसर आ गया बीटा ऑफ इक्विटी टू टू पॉइंट टू जीरो 2.20 2.20 ठीक है इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा तो चिंता वाली बात नहीं है इन्होंने फुल फॉर्म में लिख रखा है 1 टैक्स लगा रखा टैक्स हमको मालूम है कि है नहीं है तो फिर बात खत्म तो ये फाइनल आंसर हो गया क्या इसको अब मैं रफ कर सकता हूं हाँ। पॉइंट नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है अब किस पे आ जाते अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर बोले आपको अशर्टन इक्विटी बीटा फिर से निकालना है इक्विटी बीटा फिर से निकालना। निकालनाट्स ए डेट इक्विटी पोजिशन साहब ये डेट इक्विटी पोजिशन में चेंज कर रहे और रेज कर रहे है फर्दर डेट्स और बाय बैक करेंगे इक्विटी ताकि डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाए वन पॉइंट फाइव जीरो ध्यान से समझना मेरी बात को डेट हो जाए वन पॉइंट फाइव जीरो और इक्विटी हो जाए वन जितना इक्विटी उससे वन पॉइंट फाइव टाइम से ज्यादा डेट तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया टोटल कैपिटल टू पॉइंट फाइव जीरो इतना रखना है आपको टोटल आपके पास सर अलग से रेज कर, अलग से रेज नहीं करना वो बोल रहा भैया एक काम करो सात सौ नब्बे करोड़ ही रखिए इक्विटी बायबैक हो जाएगा और मतलब सर एक बार हम कर ले किस तरह से हो जाएगा हाँ एक बार करके देखते इट मींस इक्विटी कितना होगा बोले जो सेवन नाइन जीरो है ना इसका वन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव जीरो इक्विटी और डेट कितना होगा बोले जो सेवन नाइन जीरो है ये हमारा इतना कैपिटल इसका वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव ये रहेगा बाय तो 2.5 तो सर ये रहेगा थ्री वन सिक्स और सेवन नाइन जीरो वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव तो ये आ गया फोर तो सीधी भाषा में क्या इक्विटी कम हो गया है yes, यस इक्विटी कम हो गया और क्या डेट बढ़ गया यस yes, इक्विटी को बाईबैक करा और बायबैक कहां से किया बोले डेट आपने रेस किया इक्विटी वाले को पैसे दिया ये रहे। अब सवाल है कि डेट, कि डेट कितना हो गया डेट पहले से कितना था टू नाइन जीरो क्या डेट बढ़ा हाँ बोलो हाँ बढ़ा कितने से बढ़ गया डेट सर डेट बढ़ गया माइनस टू नाइन जीरो तो सर 184 से न्यू डेट इश्यू हुआ वन एटी फोर न्यू डेट वन एटी फोर से इश्यू हुआ अब देखो आगे क्या बोल रहा है बाय बैक कर लो ठीक डेट डेट इक्विटेशज्यूम डेट अब यहां सुनो क्या है बोले प्रेजेंट डेट बीटा पॉइंट फोर फाइव

बीटा टू कर लेता हूँ इसको वन कर लेता हूँ और इसका कितना ले लेना बोले इसका पॉइंट फाइव ले लेना ठीक है और अब आपको क्या निकालना है बीटा बीटा ओवरऑल बीटा में कोई चेंज होगा नहीं ओवरऑल बीटा कितना है ओवरऑल बीटा कहाँ गया भाई वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स फिर से निकालो बोले बीटा ऑफ इक्विटी निकालने की कोशिश करें सुनो मेरी बात को ठीक से। बीटा ऑफ ओवरऑल बीटा मतलब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इसवल बीटा ऑफ इक्विटी ई और यहां ई प्लस डी जाएगा प्लस बीटा ऑफ डेट इनटू डेट ई प्लस डी अब सुना ध्यान से बैठ ये हमको पता वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स

सेवन नाइन जीरो प्लस और अब पॉइंट फाइव न्यू डेट इन टू वन एटी फोर सेवन नाइन जीरो क्या कैलकुलेशन हो सकता है वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इज इक्वल टू थ्री वन सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन नाइन जीरो तो ये आ गया पॉइंट फोर बीटा ऑफ इक्विटी प्लस पॉइंट फोर फाइव इंटू टू नाइन जीरो डिवाइडेड बाई सेवन नाइन ज़ीरो आ गया पॉइंट वन सिक्स फाइव टू प्लस पॉइंट फाइव इंटू वन एटी फोर डिवाइडेड बाई सेवन नाइन जीरो हो गया जीरो पॉइंट वन वन सिक्स फोर फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ मैं बाकी कैलकुलेशन आप कर लोइंट 1.496 नाइन सिक्स माइनस पॉइंट फाइव टू माइनस पॉइंटेड बाई पॉइंट फोर तो सर बी टॉपिक हो गया थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स इट इधर है भाई थ्री पॉइंट जीरो थ्री ये ये क्यों कर रखा परसेंटेज में थोड़ी नहीं बताते बीटा को यार आईसीए ए कुछ भी करेगा ये फाइनल आंसर थ्री पॉइंट जीरो थ्री फाइव थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स इसमें कोई समस्या नहीं थी आगे और कुछ पूछा है इस क्या इस क्वेश्चन क्या न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइड इनक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लिवरेस्ट गलत है क्वेश्चन गलत पूछ लिवरेज डेट के बढ़ने से डेट के बढ़ने से इक्विटी का वैल्यू बढ़ जाएगा नहीं भाई डेट के बढ़ने से रिस्क बढ़ेगा इक्विटी बीटा बढ़ेगा डेट बढ़ा तो रिस्क बढ़ा इक्विटी बीटा लेवरेज की वजह से इक्विटी बीटा पहले कितना था इक्विटी बीटा 2.20 अब इक्विटी बीटा कितना हो गया अभी कितना निकाला था ये निकाला 3.035 तो डेट के बढ़ने से लिवरेज के बढ़ने से रिस्क बढ़ेगा इक्विटी बीटा बढ़ेगा आप ये नहीं बोल सकते कि तो एक ही इक्विटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा ये बोल सकते कि रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा यार यार मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको सीधे से लिखना है लिखना क्या है कि लिवरेज के बढ़ने से इक्विटी का बीटा बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा इक्विटी का बीटा बढ़ेगा ठीक है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बड़े सारे क्वेश्चंस थे आगे जो चैप्टर चलेगा अगला चैप्टर कॉरपोरेट वैल्यूएशन उसमें उतना क्वेश्चंस नहीं एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें भी गेयरिंग और बीटा काम आएगा ठीक है जी चलते हैं अगले चैप्टर फिर देखते क्या हो